हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द 10th लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स एंड इन दिस लेक्चर विल स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक विच इज कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो ऑलरेडी हमने 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है. दिस इज द 10th लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स चैप्टर. तो ए लेक्चर में आज इस लेक्चर में करने क्या वाले, इस लेक्चर में कुछ जो मैंने अभी तक बोर्ड पे लिखा हुआ है ये थोड़ा बहुत हम थियरी कंप्लीट करेंगे, और एक थियरी की ये कंप्लीट हो जाए तो एक छोटा सा डेरिवेशन होगा वो यहाँ पे मैं कंप्लीट करूंगा. ओके, तो पहले थियरी वगैरह देख लेते हैं, फिर डेरिवेशन में तो कंप्लीट डेरिवेशन तो कर ही लेंगे बहुत इजी. तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है इसके बारे में ऑलरेडी हमने 10th में पढ़ा है, राइट. जो भी मैंने थियरी यहाँ पे लिखा ये ऑलमोस्ट ये सब लोग ने 10th में पढ़ा हुआ चीज है. जस्ट उसको थोड़ा सा एक रिकैप करेंगे क्योंकि आगे हमको एक डेरिवेशन सॉल्व करना है. तो कॉन्वेक्स मिरर है क्या एक्चुअल में? कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल सा स्पीयर का एक छोटा सा पार्ट है. एक एग्जांपल से समझाता हूं, देखो. तो लेट्स अज्यूम अ स्पीयर, एक स्पीयर अज्यूम करते हैं हम, राइट. ये सर्कल नहीं है, बोर्ड पे बना रहा हूं इसलिए सर्कल दिखाई दे रहा है. ये एक स्पीयर अज्यूम करो, स्पीयर ग्लास का स्पीयर, राइट, ग्लास वाला स्पीयर है. और ये ग्लास के स्पीयर से हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट कट करके निकाल लेते हैं. देखो, छोटा सा पार्ट मैं कट करके निकाल लेता हूं, समझो ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट मैंने कट करके निकाल लिया. वो जो स्पीयर याद था, स्पीयर में से इतना पार्ट मैंने छोड़ निकाल दिया, और ये जो बच्चा है ये मेरा इंटरेस्टेड पार्ट है, राइट, ये मुझे काम का है. तो अगर ये मेरा ये टाइप का जो मिरर है, याद है जो पहले स्पीयर था एकदम बड़ा, उसमें से हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट कट करके अलग रख दिया, और जो बाकी काम का वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है, इसको मैंने सेलेक्ट करके रखा है. अब मैं क्या करता हूँ इसमें, इसमें ना मैं ये बाहर वाला सरफेस दिखाई दे रहा है सबको, बाहर का सरफेस, राइट. ये जो बाहर वाला सरफेस है यहाँ पे हम पॉलिश कर देते हैं इसको, क्या करते हैं पॉलिश. एक बार इसके बाहर वाले सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो अंदर वाला सरफेस है, अंदर वाले सरफेस को सिल्वर कोटिंग करके पेंट किया जाता है रेड कलर से, देखा होगा बहुत लोग ने, मिरर तो सबने देखा ही है मिरर, कभी जो हमारे घर पे होता है मिरर, राइट, आईना आरसा, वो कभी समझो वो टूट जाए और उसका एक छोटा सा पार्ट हमने समझो उठाया और देखा तो उसके पीछे रेड कलर होता है, राइट, रेड कलर, मोस्टली अलग अलग कलर्स होते हैं, मोस्टली रेड होता है लेकिन, और रेड कलर को थोड़ा सा स्क्रैच किया जाए ना तो अंदर सिल्वर दिखता है, सिल्वर कोटिंग. तो मीन्स देखो, ये वाला सरफेस जो आपको दिखाई दे, थोड़ा सा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ. देखो याद है, इतना सा पार्ट हमने वो बड़ा स्पीयर में से कट करके निकाल लिया था, हमारा इंटरेस्टेड पार्ट. इसमें से हमने ये दिख रहा है, ये वाले सरफेस जो बाहर सरफेस दिख रहे हैं इसको मैंने पॉलिश करके रख लिया, पॉलिश कर दिया है, और जो अंदर का सरफेस था उसको मैंने सिल्वर कलर, सिल्वर कोट करके रेड कलर कर दिया, राइट. ये जो मैं दिख रहा है, जो डॉट ऐसा लाइंस बना रहा हूँ, यहाँ पर कोटिंग है, राइट, जो मैंने लाइंस बनाया ये कोटिंग है, और इसको छोड़ के जो बाहर का सरफेस है उसको हमने पॉलिश करके रखा है. तो ये जो मिरर बन गया इसको ही बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, सिंपल, राइट. तो कॉन्वेक्स मिरर है क्या, ये ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, ये सिंपल सा स्पीयर का एक छोटा सा पार्ट है, राइट. ये क्या है, एक स्पीयर का, जो ग्लास का स्पीयर था हमारे पास, उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसमें से मैंने आउटर सरफेस को, ये दिख रहा है ये वाले सरफेस को मैंने पॉलिश किया है और अंदर मैंने कोटिंग करके रखा है, सिंपल, यही तो है कॉन्वेक्स मिरर. स्टार्ट करते हैं, पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है. देखो, अगर तुमको ये चीज नहीं दिखाई दे रहा है समझो, तो आप अपने स्क्रीन को थोड़ा जूम कर सकते हो, जूम करेंगे तो प्रॉपर वर्ड्स दिखाई देगा वहां पे क्या लिखा, राइट. तो पॉइंट ऐसा है, दिस आर पार्ट ऑफ स्पीयर, ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर, मींस कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर. ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये स्पीयर का एक पार्ट है. अब वो कैसे भी हो सकता है, अगर बड़ा कॉन्वेक्स मिरर चाहिए तो बड़ा पार्ट लो, छोटा कॉन्वेक्स मिरर चाहिए तो छोटा पार्ट लो स्पीयर का, सिंपल. कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इसके बाद क्या है वो भी इंपॉर्टेंट, देखो कहां पॉलिश किया है, कहां कोटिंग किया है, वो ध्यान में आना चाहिए. देखो, पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड, देखो मैंने पहले बता दिया था, जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस, बाहर का सरफेस को पॉलिश किया. अब अगर तुमको थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताया बताना चाहिए तो अंदर बता दो, एंड कोटेड फ्रॉम इनसाइड, राइट, सिंपल है. तो हमने खुद से बना दिया हमारा पॉइंट. सुनो पॉइंट क्या है, पढ़ रहे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, राइट. कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर, सबसे मेन चीज तो ये, कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर. अच्छा, स्पीयर का पार्ट तो कॉन्केव मिरर भी है, तो इसमें स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी है वेयर द आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस इज कोटेड, सिंपल, समझा. तो इसको चाहिए तो आगे और हम बढ़ा सकते हैं और थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं. तो अभी तक आई थिंक सबको समझ में आ गया है कि वॉट इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर, राइट, इन विच द आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस इज कोटेड, दैट्स इट, सिंपल एकदम, राइट. तो मैं थोड़ा इसको और एडवांस कर देता हूँ इस स्टेटमेंट को, दिस आर द पार्ट ऑफ स्पीयर पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड. आगे और मैं इसमें कंटिन्यू करता हूँ, एंड कोटेड, और कोटिंग भी तो किया ना हमने, कोटिंग भी किया, एंड कोटेड फ्रॉम इनसाइड,
इनसाइड से कोटिंग हुआ है और आउटसाइड से पॉलिशिंग हो गया है, इसको ही बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, राइट। ये चीज हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा तुम्हारे लिए, ओके। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, राइट। एक लास्ट टाइम रिपीट करता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर, स्पीयर का एक छोटा सा पार्ट है कॉन्वेक्स मिरर, राइट, विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड कोटेड फ्रॉम इनसाइड, दैट्स इट, सिंपल एकदम, ओके, एकदम सिंपल है। तो आई थिंक सबको कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ गया कि व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई तुमको पूछे कि टेल मी व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, तो बहुत इजी हमारा आंसर होगा, कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड कोटेड फ्रॉम इनसाइड, दैट्स इट, सिंपल कंप्लीट, राइट। तो डेफिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, लेट्स मूव, देखते हैं अब आगे। इसको एक और नाम दिया है, वो नाम कैसे आया वो सिखाता हूं। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट्स ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस, याद रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस 10th में हम लोग ने पढ़ा है प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहता है, राइट। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होता है, इसको बोलते हैं पोल, याद करो पढ़ा है मैंने तुमको ये चीज, राइट, 10th में पढ़ा है हमने, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज पोल, राइट। अगर यही लेंस रहता लेंस तो वहां पर पोल नहीं आता है, वहां पर आता है ऑप्टिक सेंटर, राइट, पढ़ा है ये सब चीज, ओके। तो मैं क्या बताने जा रहा हूं, मैं तुमको ये बता रहा हूं व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और बहुत लोगों को मालूम भी ऑलरेडी, फिर भी देख लो, कॉन्वेक्स मिरर का एक और नाम है, वो कैसे आया वो नाम पहले वो सिखाता हूं, सुनो। समझो हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया इस मिरर पे, राइट। इफ वी आर इंसिडेंटिंग अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन दिस कॉन्वेक्स मिरर, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर पे ऐसा पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूं, इंसिडेंट मींस इस पे ऐसा भेज रहे हैं हम इसके साइड, ओके। तो देखो सब जो ब्लू कलर का लाइंस है, ये ब्लू कलर का लाइंस बताता है दैट इट इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये दिख रहा है, ये सब क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। लाइट में जो सबसे मेन चीज होता है वो होता है उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन बताना कहीं भूलो मत, डायरेक्शन बताना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल, अच्छा किसको पैरेलल है, दिस ऑल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, दिख रहे जितना भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, दिस ऑल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये सिंपल है, याद करो 10th में हमने एक रूल पढ़ा है, व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस, ये पढ़ा है ना हम लोग ने, या फिर आप बोल सकते हो रिफ्लेक्टेड रे, ये केस में तो रिफ्लेक्शन होने वाला है वैसे। देखो अब ये तो हुआ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, राइट, मैं क्या बता रहा हूँ पहले समझो, मैं डायग्राम बताने का मेरा मतलब सिंपल सा ये है कि मुझे तुमको इसका एक और नाम बताना है, वो नाम क्या, सुनो। देखो ये जो मैंने रेड, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ओके। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कभी भी इस मिरर को पार नहीं कर सकता, राइट, आर पार नहीं कर सकता, इंपॉसिबल है, क्यों, याद है इनर सरफेस को हमने कोटिंग करके रखा है रेड कलर से, राइट, वहां से लाइट कभी आर पार जा ही नहीं सकता है, ओके। लेकिन पॉलिश हमने बाहर से करके रखा है तो बाहर से ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सब लाइट जितना भी हो सब बाहर से रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट भी कैसे होता है उसका एक ट्रिक है, देखो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, सुनो अभी पढ़ा रहेगा लेकिन तुम्होंने, लेकिन इतना अच्छे से नहीं पढ़ा रहेगा, देखो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान, मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे कि कैसे ये रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टेड है वो पास होता है, सुनो। चलो हम कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये मिरर का फोकस लेते हैं, राइट, इसका फोकस हमने यहां पे ले लिया, समझो एफ इज द फोकस, फोकस ही पढ़ा रहेगा 10th में, ये सब नाम याद होना चाहिए तुमको, ऐसा F is the focus of which mirror? ये कौन सा मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं, राइट। सो कैपिटल F इज द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, थोड़ा बड़ा लिखता हूं ध्यान दो, दिस कैपिटल F इज द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अब देखो क्या होता है, क्या बनाना है पहले वो समझो, मुझे यहां पे ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बनाना है, यहां पर रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट ये मिरर को आर पार नहीं कर सकता है, इसके थ्रू अंदर से नहीं जा सकता, इंपॉसिबल है, क्यों, हमने अंदर से कोटिंग करके रखा हुआ है रेड कलर से, राइट, सिंपल। तो क्या होगा, सुनो यहां पे होने क्या वाला है, अब यहां पे हमको मिलने वाला है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, वो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट क्या है, सुनो देखो, अगर समझो मैं ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का, फर्स्ट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का अगर मुझे रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बनाना है तो देखो कैसे बनेगा, सुनो ये दिख रहा है, फोकस से एक स्ट्रेट लाइन लो, वैसे ये रे ऑफ लाइट यहां पे इंसिडेंट है, हाँ, फोकस से एक स्ट्रेट लाइन लो, ये दिख रहा है, यहां पर डॉटेड आना चाहिए लाइन, ये लाइन डॉटेड आना चाहिए, और ये जो लाइट दिखा, समझ में आया क्या है, देखो हुआ क्या, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसे आया है उसने जैसे ही मिरर को एक पॉइंट पे स्ट्राइक किया
और यहां से ऐसा रिटर्न गया, ऐसा जाके रिटर्न नहीं गया, ऐसा मत समझो, ये तो मैंने शॉर्टकट बनाया कि किधर से लाइट जाएगा, राइट, वो बताने को समझने के लिए, समझा पॉइंट। अगर वही समझो, मैं सेकेंड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट निकालू तो कैसे, जो शॉर्टकट फर्स्ट में यूज किया वैसे ही सेम शॉर्टकट सेकंड में यूज करना। देखो फोकस वाला पॉइंट लो, फोकस वाला पॉइंट लो, और फोकस वाले पॉइंट के अलॉन्ग तुम्हारा लाइट जाना चाहिए ऐसा कुछ, राइट, यहाँ पे, और इसके बाद सॉलिड लाइन, पहले डॉटेड लाइन चल जाएगा उसके बाद सॉलिड लाइन बनाओ, दिख रहा है, समझ में आया कैसा हुआ, सिंपल। देखो अगर मैं थर्ड रे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के लिए रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बनाऊ तो सेम वही, फोकस से लो, फोकस से डॉटेड लाइन आना चाहिए पहले, फोकस से डॉटेड लाइन, और ये जैसी मिरर आ गया, मिरर के बाद एक सॉलिड लाइन स्टार्ट करो, समझा क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा ही सबका तुमको बनाना पड़ेगा सब। देखो तो चलो ये फोर्थ मीन्स फोर्थ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बनाऊं तो कुछ ऐसा आएगा, राइट, समझ में आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही इंसिडेंट पैरेलल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया, वो देखो यहां से कैसे जा रहा है, आया पैरेलल, क्या जाने के टाइम पे रे ऑफ लाइट पैरेलल है, नहीं है। देखो ये जो रे ऑफ लाइट है ये थोड़ी ना ये सेकंड वाले रे ऑफ लाइट को पैरेलल है, देखो दिखता होगा थोड़ा बहुत पैरेलल, पैरेलल नहीं है वो एक्चुअल में, ये ऐसे टाइप के रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टेड, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट, राइट, ये दिख रहा है तुमको, जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट पे ध्यान दो, इंसिडेंट पे ध्यान मत दो, राइट, रिफ्लेक्टेड। चलो एक काम करता हूं, रिफ्लेक्टेड का कलर मैं चेंज करता हूं, थोड़ा क्लियर और दिखाई देगा। देखो तो अगर जो मैं रेड कलर से ही बना रहा हूं, वो रेड कलर रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को, राइट, तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को जरा ध्यान से देखो और देखो तुमको क्या समझ में आता है यहाँ पे। ये देखो रेड कलर से जो मैंने बनाया है, दिस आर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस, राइट, कॉन्वेक्स सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो मैं बना रहा हूं, और इस पे ध्यान दो क्या दिखाई देता है, क्या ये रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टेड है ये एक दूसरे को पैरेलल है, इम्पॉसिबल, देखो पैरेलल दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे टाइप के रे ऑफ लाइट जो ऐसा जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट, राइट, दिस आर डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट, समझ में आ रहा है, जैसे ऊपर हुआ है सेम नीचे भी होने वाला है, चलो नीचे वाला भी बना दूं तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। अब मैं डॉटेड नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट आगे बना रहा हूं, तो ये यहां से इस रे का हो गया, सेम अगर मुझे आगे बनाना है तो ऐसा हर एक रे ऑफ लाइट का आप रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बना सकते हो, समझ में आ रहा है, देखो क्या हो रहा है, ये जितना भी रे ऑफ लाइट है ये सब रे ऑफ लाइट डाइवर्जिंग है, एक भी रे ऑफ किसी को पैरेलल नहीं है। देखो रेड कलर वाले पे ध्यान दो, सिर्फ रेड कलर वाले पे, तो वहां पर समझ में आएगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है ये डाइवर्ज हो रहा है, राइट, डाइवर्ज हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई दिस कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, ये पढ़ा है टेंथ में, सबने पढ़ा है कि कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, बट ये नहीं पढ़ा कि क्यों बोलते हैं उसको डाइवर्जिंग मिरर, अभी समझ में आया, क्लियर है, तो डाइवर्जिंग मिरर आई थिंक सबको समझ में आ गया कि व्हाई द कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, रीजन बहुत सिंपल है, द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आर डाइवर्ज्ड, राइट, वो डाइवर्ज हो जाता है ऐसा, इसलिए दैट्स व्हाई द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैंने वही लिखा, देख लो सेकंड पॉइंट में तो मैंने डायग्राम बनाया, जो डायग्राम यहाँ बनाया एक्जैक्ट वही डायग्राम यहाँ पे, राइट, तो प्रॉपरली देख लो डायग्राम वगैरह तुमको बनाना पड़ेगा अपने नोट्स में। सो द कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, ये मैंने पहले से लिख के रख दिया, थोड़ा थियरी है इसलिए पहले से लिख दिया, हमारा टाइम स्टेज से हो जाता है इसमें, राइट, तो अभी तक मैंने क्या बताया उसको जरा ध्यान दो, अब डायग्राम वगैरह भूल जाओ, सिंपल हमको दो पॉइंट सिर्फ समझना है और थर्ड पॉइंट तो डायग्राम है जो बहुत ईजी है। सुनो कॉन्वेक्स मिरर है क्या, कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर, स्पीयर का एक पार्ट, राइट, कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्पीयर, होता क्या है, इन विच द आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड and the inner surface is coated, simple, right, ye first point hua, ek aur point suno, convex mirror is also called as a diverging mirror, right, diverging mirror bolte hain because all the reflected ray of light are diverged, right, jitna bhi reflected ray of light hai wo diverge, ekdam simple sa point, right, to I think humko convex mirror ekdam clear samajh mein aa gaya ki what is convex mirror, okay, aage badhte hain, next question, वट इज कॉन्केव मिरर, अब कॉन्केव मिरर भी एकदम सेम एग्जैक्ट है, ये डायग्राम को रब करता हूं और चलो तुमको कॉन्केव मिरर सिखाता हूं, वॉट इज कॉन्केव मिरर, तो अगर हम लोग यहां से समझे कि वॉट इज कॉन्केव मिरर, तो देखो कॉन्केव मिरर भी एकदम सिंपल जैसा कॉन्वेक्स था वैसे ही एग्जैक्ट वैसे ही है। कॉन्वेक्स मिरर किस चीज का पार्ट था जो मैंने पहले बताया, कॉन्वेक्स मिरर वॉज अ पार्ट ऑफ स्पीयर, सेम एग्जैक्ट जो कॉन्केव मिरर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीयर, कैसे, चलो देखते हैं डायग्राम में। देखो तो लेट्स कंसीडर वन स्फेरिकल ग्लास सरफेस, राइट, एक स्पीयर के फॉर्म में ग्लास सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया, याद करो
कॉनकेव मिरर निकालने के टाइम पे मैंने याद है इतना पार्ट कट कर लिया था, ये मेरा इंटरेस्टेड वाला पार्ट था और ये पार्ट मेरा काम का नहीं था, उसको मैंने फेंक दिया था, सिंपल। तो ये जो मिरर बना था इसमें हमने याद है यहां से अंदर से कोटिंग किया, बाहर से पॉलिश किया, तो वो था कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। अभी क्या पढ़ रहे? अभी हम लोग पढ़ रहे कॉनकेव। अब देखो कटिंग कहां से होने वाला है, अब कटिंग होगा समझो यहां से हम लोग कटिंग करते हैं, ये दिख रहा है, ये इतना कट करके लेते हैं। अब ये मेरे इंटरेस्टेड वाला पार्ट, ये मुझे इंटरेस्टेड, राइट, मेरा इंटरेस्ट इसमें, और बाकी वाला पार्ट हटा देता हूं मैं, दिख रहा है, क्लियर। सो ये जो मिरर बना है ये कौन सा मिरर है? ये अभी भी स्फेरिकल मिरर ही है, इसको मैंने कॉनकेव कॉन्वेक्स अभी कुछ नहीं बना, राइट। कॉनकेव कैसे बनेगा सुनो, कॉनकेव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद है जैसे कॉन्वेक्स में मैंने आउटर सरफेस को पॉलिश किया था, अब यहां पर मुझे इनर सरफेस को पॉलिश करना पड़ेगा, राइट, अंदर का जो भी सरफेस है उसको पॉलिश करना पड़ेगा, और जो आउटर सरफेस था पहले, जो पहले आउटर सरफेस, याद है क्या था, आउटर सरफेस को हमने पॉलिश किया था, मतलब इसका जस्ट रिवर्स उल्टा हो जाएगा यहां पर, राइट, इनर सरफेस पॉलिश और आउटर सरफेस कोटेड होगा। देखो तो चलो यहां ये जो लाइंस में बनाता हूं ऐसा, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स दैट द आउटर सरफेस इज कोटेड, राइट, ये जो आउटर सरफेस को हमने कोट करके रखा है और इनर सरफेस हमारे लिए पॉलिश्ड है, सिंपल, ओके। तो ये टाइप के मिरर को हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो क्या है कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, राइट, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्फीयर। स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी सुनो, इन विच द इनर सरफेस इज पॉलिश, अंदर का जो सरफेस होता है वो पॉलिश होता है, एंड द आउटर सरफेस, जो बाहर का सरफेस है, एंड द आउटर सरफेस इज कोटेड, सिंपल, राइट, पढ़ो मत, राइट, ऐसा नहीं है कि हमको कट टू कट याद रखना है, मतलब समझ लो बस हो गया। देखो तीन पॉइंट इसमें हमको समझने लायक है, फर्स्ट दैट द कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ये पहला पॉइंट। सेकेंड, पॉलिश कहां पे किया है? पॉलिश अंदर से किया है, मीन्स इनर सरफेस इज पॉलिश्ड। थर्ड, कोटिंग कहां पे किया है? कोटिंग बाहर किया, मीन्स आउटर सरफेस इज कोटेड, दैट्स इट, कंप्लीट। ये तीन पॉइंट को अपने स्टेटमेंट में इंक्लूड करो, बन जाएगा डिफाइन ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, सिंपल। एक लास्ट टाइम बोलता हूं फिर आगे बढ़ता है, ध्यान दो, कॉनकेव मिरर क्या है, व्हाट इज कॉनकेव मिरर, अगर इसका आंसर हमको बोलना है, देन कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है, इन विच द, मीन्स अगर आपको बताया जाए कि कॉनकेव मिरर है क्या, तो उसका डिफिनेशन सिंपल सा ये होगा, कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर इन विच द इनर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड द आउटर सरफेस इज कोटेड, दैट्स इट, सिंपल, यही होगा डेफिनेशन फॉर कॉनकेव मिरर। आई थिंक समझ में आ रहा है कॉनकेव मिरर क्या, एकदम स्लो जा रहे हैं हम लोग, राइट, क्योंकि समझ में आना चाहिए इसलिए, ओके। तो आई थिंक कॉनकेव मिरर एकदम क्लियर हो गया है, अब आगे पढ़ते हैं। जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बताया था, सेम वैसे ही कॉनकेव मिरर को हमको बोलना पड़ेगा दैट द कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। रीज देखो, पढ़ा है ऑलरेडी, टेंथ में पढ़ा है कि दैट द कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, क्यों अभी सिखाता हूं। देखो कॉनकेव मिरर को हमने टेंथ में पढ़ा है कि ये कॉनकेव मिरर एक टाइप का कन्वर्जिंग मिरर है, क्यों कन्वर्जिंग मिरर है उसका रीजन मैं तुमको बताने वाला हूं, ध्यान दो यहां पे, देखो बहुत इजी, ऑलरेडी बहुत लोग को इसका रीजन पता भी होगा कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर इसलिए है क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ज करता है, सिंपल, ये रीजन है। चलो प्रूफ करके देखते हैं, आउटर सरफेस वॉज कोटेड, राइट, एंड द इनर सरफेस वॉज पॉलिश्ड, सिंपल, ये हमको अभी तक याद है, राइट, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ओके। वही सेम लॉजिक, लेट्स ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। सो प्रिंसिपल, एज वी नो दैट द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू पोल, याद है ना सबको, प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो मिरर के पोल से पास होता है हमेशा, ओके। सिर्फ पोल नहीं आता है, बहुत कुछ आता है, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, फोकस भी पॉइंट, फोकस भी आता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ओके, ये समझो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। लेट्स ड्रॉ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, याद है जो मैंने कॉन्वेक्स पढ़ाते समय बनाया था, सेम, अब ज्यादा नहीं बनाऊंगा, दो तीन ही बनाऊंगा, राइट, क्योंकि समझ में आ जाता है पॉइंट। सो लेट्स ड्रॉ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अब मैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट ड्रॉ करता हूं, ये समझ में आ रहा है, दिस आर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये हमारे लिए पैर, चलो दो ऊपर बना दिया, दो नीचे बना देता हूं। सो दिस आर इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, राइट, डायरेक्शन बताता हूं, डायरेक्शन कैसा, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन कॉनकेव सरफेस, मीन्स मैंने किया क्या है, मैंने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को, मीन्स जो भी लाइट है इसको इंसिडेंट किया है कहां पे, कॉनकेव मिरर के पॉलिश्ड सरफेस पे, और हमारा जो भी लाइट्स है, दिस ऑल रे ऑफ लाइट्स आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहले ही बताया था, राइट। अब सेम वही रीजन, लाइट इस मिरर को पार करके आगे नहीं जा सकता है, रीजन हमको मालूम है, बिकॉज द आउटर सरफेस इज कोटेड, दिस इज द रीजन।
तो अगर बाहर नहीं जाएगा लाइट तो जाएगा कहां पे? देखो क्या होने वाला, सुनो, रिफ्लेक्शन होता है यहां पे, रिफ्लेक्शन मिरर में हमेशा रिफ्लेक्शन होता है, समझ के रखो, माइंड में फिट रखो, ओके? तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, सुनो, रिफ्लेक्शन बहुत इजी है। ये मिरर का फोकस निकालो, ये मिरर का क्या निकालो, फोकस डिफाइन करो। फोकस कहां है, देखो मिरर का, चलो हम अज्यूम करते हैं फोकस कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द फोकस। मैं एफ लिख नहीं रहा हूं लेकिन ब्लैक डॉट सबको दिखाई देता होगा, राइट? दिस ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट्स फोकस, क्लियर? अच्छा, फोकस पे होने क्या वाला है, सुनो, फोकस पे क्या होने वाला है, जितना भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये सारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये जितना भी है, दिस ऑल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास होने वाला है, फोकस। देखो कैसे पास होगा, सुनो, समझो, मैं ये फर्स्ट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट बना रहा हूं, राइट? आई एम ड्रॉइंग द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट इंसिडेंट रे। अगर मैं फर्स्ट इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड लाइट ड्रॉ करूं तो देखो कैसे आएगा, दिस विल बी द इंसिडेंट रे, सॉरी दिस विल बी द, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, देख सकते हैं यहां पे, ये दिख रहा है फर्स्ट इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे। सेम अगर मैं सेकंड का ड्रॉ करूं तो वो पास, वो भी पास होने वाला है, यही फोकस से पास होगा, सेम, राइट? अगर मैं थर्ड का ड्रॉ करूं तो ये भी पास होगा फोकस से, समझ में आ रहा है? देखो ऐसा सिंपल ट्रिक सीखा, सिंपल सिंपल चीज सिखा रहा हूं आज, एकदम थ्योरेटिकल लेक्चर है सर। और अगर मैं इसका ड्रॉ करूं, इसका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, फोर्थ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्टेड लाइट ये, हो गया क्लियर? दैट मींस जितना भी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, ऑल रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू, कहां से पास हो रहा है, पासेस थ्रू फोकस, एफ से पास हो रहा है। और एक्चुअल में रे ऑफ लाइट कौन सा फिनोमेनन दिखा रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट्स आर कन्वर्ज, मीन जितना भी लाइट हमने इंसिडेंट किया वो सब कन्वर्ज हो गया, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हुआ, दैट्स व्हाई द कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग मिरर। देखो सिंपल सा पॉइंट है, देखो यहां पे लिखा है मैंने, कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, ऑलरेडी पहले थ्योरी है इसलिए लिख दिया है। तो हमको सिर्फ दो पॉइंट याद रखना है, एकदम सिंपल सिंपल, ओके? सबसे पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर, बहुत इजी है, कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर इन विच द इनर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड आउटर सरफेस इज कोटेड, दैट्स इट, सिंपल एकदम, ओके? अगर एक और आपको बताना, एक और पॉइंट तो बहुत सिंपल है, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग मिरर, रीजन बिहाइंड इज बिकॉज ऑल द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इज कन्वर्ज, जितना भी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो सारा रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट फोकस पे कन्वर्ज हो गया है। कन्वर्ज का मतलब क्या है, एक पॉइंट पे आ गया है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, सिंपल, ओके? तो हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया, कॉनकेव मिरर पढ़ लिया, ओके? अच्छा, ये सी के बारे में सबको ऑलरेडी मालूम है, दिस सी इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, पढ़ा है हमने टेंथ में, राइट? जितना डिस्टेंस फोकस का पोल से रहता है, इसका डबल डिस्टेंस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का होता है, पढ़ा ना टेंथ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, पढ़ा हमने चीज, राइट? फोकल लेंथ जो होता है उसका डबल डिस्टेंस पोल और सेंटर के बीच का, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का होता है, सिंपल, ये पढ़ा है, ये तो सिंपल सिंपल हो गया, कॉनवेक्स मिरर पढ़ लिया, कॉनकेव मिरर पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? चलो देखते हैं, अगर मैं तुमको यही केस में अगर मैं तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताता हूं, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है क्या, सुनो, पहले समझो ये पीक है, दिस P represents pole, right? Pole means क्या? Pole means geometrical center of mirror. अब वो कोई भी हो सकता है, concave बनाया मैंने, concave, convex में भी pole आता है, देख लो यहाँ पे P लिखा है मैंने, right? तो P means pole, capital F means focus, right? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया, जितना distance focus और pole के बीच का होता है, उससे double distance सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का होता है, देख लो फोकस से पोल के डिस्टेंस का डायरेक्ट डबल डिस्टेंस मैंने बनाया, देखो यहां पे, समझ में आया? देन तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं जरा, ये क्या पैरामीटर क्या क्या है, कैपिटल सी, राइट? कैपिटल सी रिप्रेजेंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस कैपिटल सी रिप्रेजेंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस कैपिटल एफ रिप्रेजेंट्स फोकस, दिस कैपिटल पी रिप्रेजेंट्स पोल, राइट? इतना समझ में आ गया? चलो तुमको बताऊं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतना देख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर वर्ड कहीं भी कैपिटल आर लेटर दिखाई दिया, दैट मींस इट इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैसे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, किधर होता है, चलो देखते हैं। देख तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं बनाऊं, देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान दो, देखो पोल दिखाई दे रहा है, पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो भी डिस्टेंस है,
दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. देखो इसको ही बोलते हैं कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट है. तो समझ में आया क्या हमको व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. डिफाइन पे ध्यान मत दो, यहां ध्यान दो अपने आप, इधर से डिफाइन बनाएंगे हम लोग. ध्यान दो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या, कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या. बहुत सिंपल है, इट इज द डिस्टेंस. ये एक टाइप का डिस्टेंस है, राइट है ना, ये एक टाइप का डिस्टेंस है. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस. अच्छा कहां, कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके आई थिंक समझ में आ गया कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस. ये एक टाइप का डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस दो चीज के बीच में होता है हमेशा. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. सिंपल, चलो देखते हैं डिफाइन. देखो यहां पे लिखा हुआ है, एक्चुअल में अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहा है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका एक और डिफाइन पॉसिबल है. ये तो मैंने बताया जो भी एकदम एग्जैक्ट वैलिड है, एक और डिफाइन पॉसिबल. देखो दूसरा डिफाइन बता दूं, तो दूसरा डिफाइन ऐसा है, याद है ये कॉनकेव मिरर मैंने बनाया कहां से था, ये मैंने बनाया था एक स्पीयर था, याद है हमारे पास एक स्पीयर था, वो स्पीयर का मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया था, याद है ये स्पीयर का मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया था, राइट. एक्चुअल में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है पता है, एक्चुअल में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस है. क्या है, रेडियस. देखो ना रेडियस ऑफ कर्वेचर एक रेडियस है. किसका रेडियस है, स्पीयर का रेडियस है, जिससे हम लोग कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं. क्लियर है, देखो क्लियर दिखाई दे रहा है तुमको. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ स्पीयर विथ विच कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड. ये भी एक डिफाइन है, बनाओ खुद से बनाओ डिफाइन, राइट. साइंस में ऐसा नहीं कि याद करना पड़ेगा कुछ, यहां पे याद रखने का लॉजिक ही नहीं, राइट. सब कुछ समझना पड़ेगा ए टू जेड. क्लियर, दो डिफाइन मैंने तुमको बताया, दैट द रेडियस, पहला डिफाइन सुन लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस, राइट. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस बिटवीन वॉट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर है, समझा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके अच्छा एक और डिफाइन जो अभी मैंने बताया, राइट, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ वो डिफाइन बताता हूं. अगर तुमको वर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे कोई बात नहीं, मेरे मैं जो बोल रहा हूं वो वर्ड सुनाई दो, राइट, सुनना आना चाहिए तुमको. देखो और सुनाई देता रहेगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, एक और तरीका इसको डिफाइन करने का, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ स्पीयर, राइट. रेडियस ऑफ स्पीयर, स्पीयर का रेडियस है. और अच्छा ये कौन सा स्पीयर, ये वही स्पीयर है जिससे हमने कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर बनाया था, राइट है. तो यहां पे भी लिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस, राइट. सेम जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस, राइट. रेडियस किसका, स्पीयर का रेडियस, राइट. रेडियस ऑफ स्पीयर, अच्छा ये कौन सा स्पीयर है, ये वो वाला स्पीयर है जिसका मिरर दिख रहा है, मिरर एक छोटा सा पार्ट, मिरर एक छोटा सा पार्ट है ना, तो उसके आगे मैंने लिखा, देखो स्पीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ऐसा भी लिखा जाए तो भी चलेगा. दो तीन और देखो अपने मन से बनाना चाहिए, राइट. सिंपल, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ऐसा ही डिफाइन आएगा एग्जाम में. सुनो बहुत सारा डिफाइन पॉसिबल है. रेडियस ऑफ स्पीयर इज द सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्पीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ये डिफाइन भी चल जाएगा. एक और डिफाइन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्पीयर फ्रॉम विच The concave or convex mirror is formed. ऐसा भी चल जाएगा. बहुत सारा डिफाइन पॉसिबल है, मतलब समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. क्लियर, आई थिंक सबको समझ में आ गया कि वॉट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्पीयर का रेडियस है जिससे हमने कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स मिरर बनाया है. सिंपल, राइट. चलो अब थोड़ा मैथमेटिक्स देखते हैं इसके बारे में. देखो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से. एक और चीज पढ़ा दूं जो ऑलरेडी टेंथ में पढ़ा है, विच इज कॉल्ड फोकल लेंथ. हम लोग बोलते हैं उसको फोकल लेंथ. अच्छा फोकल लेंथ अगर मैं यहां पे बनाऊं, देखो तो फोकल लेंथ कहां बनाया जाएगा, देखो फोकस दिखाई दे रहा है, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ फोकस, फोकस से, फोकस दिखाई, फोकस, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, राइट. डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. स्मॉल एफ जो है, दिस स्मॉल एफ रिप्रेजेंट्स फोकल लेंथ. और कैपिटल एफ अलग चीज है, स्मॉल एफ अलग है. कैपिटल एफ इज कॉल्ड एज फोकस एंड स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ, राइट. देखो एकदम क्लियर है, ऐसा नहीं लगता है तुमको कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल है, होना चाहिए. अभी तो याद है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जितने डिस्टेंस पे फोकस है पोल से उसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो डिस्टेंस भी तो डबल होना चाहिए ना.
क्लियर है ना, इतना तो बेसिक आना ही चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, तो एक फॉर्मूला बनता है यहां से दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर इज टू टाइम्स फोकल लेंथ, राइट, टू टाइम्स फोकल लेंथ, यही फॉर्मूला मैंने सेकंड पॉइंट पे यहां पे लिखा है, अगर आपको नहीं दिखता होगा तो इसलिए मैंने यहां पे बड़ा थोड़ा बड़ा लिख दिया राइट फॉन्ट में। सो दिस कैपिटल आर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मीन्स फोकल लेंथ को डबल कर दो, यू विल गेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल। तो ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा, ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट, इस पे ध्यान देना है हमको। सब लोग ने टेंथ में ग्राफ तो बनाया रहेगा राइट, ऐसा एक हमको चैप्टर था शायद टेंथ में, वो लीनियर इन इक्वेशन वाला चैप्टर जहां पे हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते राइट, वो ग्राफ जरा याद करो। अगर ग्राफ का एक्सिस आपको याद रहेगा तो ज्यादा बेटर है राइट, ये ओरिजिन होता है राइट ओ, दिस एक्सिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मालूम है सबको, पढ़ा ही हम लोग ने, ये दिख रहा है ऊपर वाला एक्सिस, दिस एक्सिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस राइट है, ये दिख रहा है यहां का एक्सिस, दिस एक्सिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेट स्टार्ट, दिस एक्सिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके तो ये जो एक्सिस है जो मैंने अभी बनाया राइट, दिस एक्सिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, ये सब चीज हमने ऑलरेडी टेंथ में पढ़ा है राइट, कुछ नया चीज नहीं सिखा रहा हूं, वही जो हमने पढ़ा है टेंथ में वही सिखा रहा हूं। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से राइट साइड में जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे वो डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है, ये मतलब है राइट। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट ऑल डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, सिंपल, ये दो चीज का जरूरत है। वैसे अगर ऊपर प्लस ऊपर अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा, अगर नीचे डिस्टेंस मेजर करोगे तो नेगेटिव डिस्टेंस, शॉर्टकट याद रखने का, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, हमारा काम सिर्फ हॉरिजॉन्टल में रहेगा। अगर ओरिजिन से राइट में गए तो पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट में आए तो नेगेटिव। अब ये ओरिजिन हमारे केस में पोल जैसा काम करने वाला राइट, पोल समझ में आता है, पोल को हम लोग ओरिजिन लेंगे, देखो चलो एक एक देखते हैं। ये दिख रहा है पी यहां पे, ये कॉन्वेक्स मिरर का पी, कॉन्वेक्स मिरर का पी और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो ये पोल से अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस देख रहा हूं, क्योंकि पोल को हम लोग एज्यूम करेंगे एज अ ओरिजिन, तो ओरिजिन से राइट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे ना, देखो ओरिजिन से राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करते दैट ऑल डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, इसलिए मेरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा कॉन्वेक्स मिरर में वो पॉजिटिव रहने वाला है, समझा लॉजिक क्या है। अरे बहुत सिंपल है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ओरिजिन के राइट साइड में है, ओरिजिन मींस पोल, पोल के राइट साइड में है, तो राइट साइड में डिस्टेंस मेजर कर रहे तो आंसर पॉजिटिव आएगा ना, सिंपल। दैट्स व्हाई फॉर कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव राइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप देखोगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर देन इट इज पॉजिटिव, प्लस आर लिखना पड़ेगा आपको राइट। सेम अगर मैं कॉनकेव मिरर, देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर था राइट, कॉनकेव मिरर देख लो, पोल को हम एज अ ओरिजिन ट्रीट करते हैं ना, पोल को एज अ ओरिजिन ट्रीट करते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मींस ओरिजिन से तुमको लेफ्ट डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा राइट, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, तो आपका जो डिस्टेंस आएगा वो नेगेटिव डिस्टेंस आने वाला है, समझा लॉजिक क्या है, एकदम सिंपल है। For convex mirror, the radius of curvature is positive, and for concave mirror, the radius of curvature is negative. यही हमारा last point है, यहाँ पे देख लो point number 3, अगर नहीं दिखता होगा तो मैंने बोला है right? वो point तो समझ में आ गया जो मैंने बोला है, देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव एंड फॉर कॉनकेव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नेगेटिव, सिंपल राइट। तो आई थिंक आपको पॉइंट नंबर 3 एकदम क्लियर समझ में आ गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो लिखा भी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर, सिंपल एकदम राइट। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया, कॉनकेव मिरर पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पढ़ लिया राइट। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टडी फोकल पावर राइट। फोकल पावर क्या है, फोकल पावर भी शायद आपने टेंथ में पढ़ा हुआ है राइट, फोकल पावर या फिर पावर ऑफ लेंस पढ़ा रहेगा, लेंस का भी होता है पावर और मिरर का ही पावर होता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो याद करो डायोप्टर राइट, डायोप्टर शायद वर्ड सुना होगा टेंथ में, डायोप्टर यूनिट होता है फोकल पावर का, नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, या अभी यहां पे हम लोग देखते हैं ना क्या है। तो फोकल पावर है क्या, सुनो पहले फोकल पावर क्या है, यहां पे जो लाइट का फिनोमिनन है दैट इज डाइवर्जिंग, लाइट डाइवर्ज हो रहा है राइट कॉन्वेक्स मिरर में,
वही अगर मैं कॉनकेव मिरर देखो, देखो जो यहाँ पे बना हुआ है राइट, मैं राइट साइड में जो कॉनकेव मिरर बना हुआ है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। डाइवर्ज जब भी होगा तो ये मिरर या फिर लेंस के पास एक पावर होता है कि वो कितना डाइवर्ज कर सकता है, राइट। द डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग पावर, राइट, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग पावर किसका? मिरर भी डाइवर्ज करता है, लेंस भी डाइवर्ज करता है, मिरर भी कन्वर्ज करता है, लेंस भी कन्वर्ज करता है, समझ आ रहा पॉइंट? तो डाइवर्जिंग या फिर जो कन्वर्जिंग पावर है वो दोनों चीज का हो सकता है, वो मिरर का भी हो सकता है, वो लेंस का भी हो सकता है। ये जो कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग पावर है इसको ही हम लोग बोलते हैं फोकल पावर। समझा फोकल पावर क्या है? द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर ऑफ मिरर और लेंस इज कॉल्ड फोकल पावर। सिंपल, देख लो वही लिखा हुआ है मैंने यहां पे ऑलरेडी। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ, एबिलिटी मीन्स एक ही बात हो गया, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी किसका? मिरर का भी हो सकता है, लेंस का भी हो सकता है, इज डिफाइंड एज फोकल पावर। सिंपल, एकदम इजी, राइट। अगर कोई तुमको पूछे व्हाट इज फोकल पावर, तो सिंपल हमारा आंसर होगा इट इज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी किसका? मिरर का भी हो सकता है और लेंस का भी हो सकता है। सिंपल, इट इज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ मिरर और लेंस। सिंपल, राइट। तो सिंपल आई थिंक समझ में आ गया एकदम क्या क्या चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है तो अगर नहीं दिखता रहेगा तो बाजू में लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, फोकल पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, कैपिटल पी रिप्रेजेंट्स फोकल पावर, पावर ऑफ मींस लेंस, पावर ऑफ लेंस भी बोलते हैं इसको, इसको फोकल पावर भी बोलते हैं, राइट। पावर ऑफ लेंस और फोकल पावर, इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ याद है, अब भी जब मैंने डायग्राम बनाया था, फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल निकाल लो, यू विल गेट पावर ऑफ लेंस और यू के पावर ऑफ लेंस और मिरर बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो फोकल पावर। याद है फोकल पावर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके आंसर में, इसके फॉर्मूले में सिर्फ फोकल लेंथ आता है, इसलिए इसको नाम दिया है फोकल पावर। ओके, सिंपल हो गया। तो हमने अभी तक दो पॉइंट देख लिया। फर्स्ट पॉइंट इज द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी किसका? मिरर का ना, लेंस का भी हो सकता है। द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ मिरर और लेंस इज कॉल्ड फोकल पावर। द फॉर्मूला फॉर फोकल पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल निकाल लो, यू विल गेट द पावर ऑफ, पावर ऑफ बोल सकते हो मिरर और लेंस, और यू कैन से इट इज अ फोकल पावर। सिंपल, ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट बता दूं, यूनिट होता है, देखो हर एक मैथमेटिकल पैरामीटर का, देखो हर एक चीज का यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का यूनिट केजी वगैरह बहुत कुछ होता है, राइट, ऐसा हर एक चीज का यूनिट होता है पैरामीटर का। ओके, तो अगर मैं फोकल पावर का यूनिट निकालूं तो क्या यूनिट होगा? फोकल पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। क्या? इसको हम बोलते हैं डायोप्टर। डायोप्टर इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोकल पावर, राइट। फोकल पावर का जो ऐसा यूनिट है उसको हम बोलते हैं डायोप्टर, राइट। कैपिटल डी से आप डिनोट कर सकते हो डायोप्टर को, कैपिटल डी से। सिंपल है, ओके। अच्छा, एक वन डायोप्टर कितना होता है? जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 10^-1 मीटर। याद रहेगा, बहुत इजी है, एकदम इजी है, राइट। देखो 4 पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दो, मैं लास्ट टाइम वी आर स्टडिंग फोकल पावर। फोकल पावर क्या होता है? देखो, हाँ देखो 4 पॉइंट्स है, एकदम इजी इजी, एक लास्ट टाइम रिकैप मारते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ मिरर और लेंस इज कॉल्ड एज फोकल पावर। सेकेंड पॉइंट, द फॉर्मूला फॉर फोकल पावर इज कैपिटल पी इज इक्वल टू 1/f। सिंपल है। थर्ड पॉइंट, द एसआई यूनिट ऑफ फोकल पावर इज डायोप्टर, राइट। और लास्ट फोर्थ पॉइंट हमारा था 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 10^-1 मीटर। देखो मैंने फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है, राइट। अभी ये देखो 1/m^-1 लिखा, एक ही बात, राइट। 1/ मतलब मीटर नीचे आ जाएगा, ऐसा समझ लो, एक ही बात। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आई थिंक फोकल पावर आपको समझ में आ गया, राइट। फोकल पावर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी हमने देख लिया, जस्ट थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट्स मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, राइट। देखो ये दो डायग्राम से मैं फोकल लेंथ के बारे में यहाँ पे डिसाइड करता हूँ। देखो एक्चुअली में फोकल लेंथ है क्या? फोकल लेंथ का डिफाइन तो बहुत कुछ दिया है, एक बेसिक सा डिफाइन जो कोई बोल सकता है वो डिफाइन पहले बताऊँ। देखो फोकल लेंथ एक टाइप का डिस्टेंस है, राइट ना। एक काम करो, मिरर बना के बताओ क्या, चलो मिरर बना के बता देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो समझो ये मैं बना रहा हूँ कॉनकेव मिरर, राइट। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये समझो पोल, ये हुआ हमारा प्रिंसिपल एक्सिस,
हाँ, एक पॉइंट होता है फोकस, राइट ना, फोकस, फोकस जो है, फोकस से लेके अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो, फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, यही डिस्टेंस को तो बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, राइट। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? स्मॉल एफ मीन्स फोकल लेंथ, कैपिटल एफ मीन्स फोकस, राइट। तो आई थिंक फोकल लेंथ समझ में आ गया क्या है फोकल लेंथ। आप खुद से बनाओ डिफाइन, याद नहीं करने का, सुनो। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस, राइट ना, डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, किसके बीच का डिस्टेंस? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। सिंपल, ये डिफाइन कोई भी बोल सकता, राइट, इतना डिफाइन सबको आ जाएगा, राइट है। अब थोड़ा टेक्निकल वे में जाते, थोड़ा हाई लेवल का डिफाइन बताता हूं, राइट। इतना अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा इसका डिफाइन, तो जो मैंने डिफाइन बताया वो लिख दो, फुल मार्क्स मिल जाएगा, ये डिफाइन वैलिड है। एक और डिफाइन है जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वो चलो वो देखते हैं। देखो, कॉन्वेक्स मिरर पे ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर पे ध्यान दो। कॉन्वेक्स मिरर पे अगर मैंने ध्यान दिया तो कुछ डॉटेड लाइंस दिख रहा है आपको बोर्ड पे? डॉटेड, अगर नहीं दिखता तो थोड़ा जूम करो उसको, वहां पे ये दिख रहा है डॉटेड लाइंस। ये जो डॉटेड लाइंस है, ये डॉटेड लाइन क्या बताता है? वो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोकस से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट निकल रहा है। देखो यहां पे एकदम क्लियर दिख रहा है, फोकस से रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट निकल रहा है, ये दिख रहा है ना ब्लू कलर का जो भी मैंने लाइट्स बनाया है यहाँ पे, ये क्या बता रहा है? ये देखो, ये कहां से निकल रहा है? ये रे ऑफ लाइट निकल रहा है फोकस से, ऐसा हमको लग रहा है, राइट, जबकि वो इंसिडेंट आया और रिफ्लेक्ट होकर चला गया, एक्चुअल ऐसा है। बात समझ आ रहा है? तो फोकल लेंथ क्या है? एक ऐसा डिस्टेंस है जहां से हमको ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट निकल रहा है। बात समझ आ रहा है? ये कहां से नहीं, ये कौन से वाले केस में? कॉन्वेक्स वाले केस में। थोड़ा डिफाइन बता दो, थोड़ा और ज्यादा बेटर समझेगा। देखो अच्छा, एक और डिफाइन यहाँ पे पॉसिबल जो सबसे इजी हो भी बता दूं। मेरा एक डिफाइन आई थिंक सबको याद रहेगा जो मैंने बताया, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ये सबसे सिंपल डिफाइन है। एक इससे भी सिंपल डिफाइन देखो क्या, याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जब मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ाया था तो मैंने वहां बताया था दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, अभी तो जस्ट बताया था। तो इससे मैं एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ, वो फॉर्मूला कैसे सुनाऊं? फोकल लेंथ इज, देखो अगर मैं f का आंसर, यहां मैथ्स आता चाहिए सबको, सिंपल सा मैथ्स, अगर मैं स्मॉल f का आंसर निकालू तो 2 नीचे आ जाएगा ना r के, दैट मींस फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट है। फोकल लेंथ क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ये भी एक डिफाइन है। देख लो, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो दो डिफाइन तो हम लोगों ने बना दिया सिंपल, राइट। पहला डिफाइन सुनो, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकेंड डिफाइन, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी एक डिफाइन है, राइट। और आगे भी जो मैंने यहां और यहां बताया इसका भी डिफाइन आएगा। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ का डिफाइन क्या रहेगा और कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ का डिफाइन क्या रहेगा। याद, देखो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ का डिफाइन ऐसा है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ एक ऐसा डिस्टेंस है जहां से हमको लगता है कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट निकल रहा है। देखो ना, ऐसा लगता है ना कि फोकस से रे ऑफ लाइट निकल रहा है, राइट। समझ आ रहा है? तो चलो ये पॉइंट बता दूं, फॉर कॉन्वेक्स मिरर इट इज द डिस्टेंस, मैंने बताया ना एक डिस्टेंस है, अच्छा कौन सा डिस्टेंस है, फ्रॉम विच पैरेलल रेस अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग। ऐसा लगता है हमको कि जो पैरेलल रेस आया, पैरेलल यहां पे आया, वो डाइवर्ज हो गया, ऐसा हमको लगता है। लेकिन एक्चुअल में ये देखो हुआ क्या है, जैसे पैरेलल रेस आया, देखो वहां पे लिखा है कि वर्ड अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग, अपीयर्स मींस ऐसा हमको लगता है। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फॉर कॉन्वेक्स मिरर इट इज द डिस्टेंस, कौन डिस्टेंस, फोकल लेंथ की बात कर, राइट। फॉर कॉन्वेक्स मिरर इट इज द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है, फ्रॉम विच पैरेलल ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग, हमको ऐसा लगता है कि जो पैरेलल लाइट हमने भेजा वो डाइवर्ज होके आ रहा है। समझ आ रहा है? जबकि ऐसा कुछ नहीं है, पैरेलल लाइट डायरेक्ट मिरर को स्ट्राइक करता है और वहां से रिफ्लेक्ट होके आता है। समझा है? क्लियर। सेम अगर मैं कॉनकेव मिरर के लिए बोलूं, कॉनकेव मिरर के लिए, तो कॉनकेव मिरर के लिए भी फोकल लेंथ एक ऐसा डिस्टेंस, देखो कॉनकेव मिरर यहां पे देखते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए हमारा जो फोकल लेंथ है ये एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पे होता क्या है, जहां पे जितना भी लाइट्स है वो कन्वर्ज हो रहा है, राइट। कन्वर्ज कब होता है? रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद। क्लियर ना? चलो ये भी डिफाइन देख लेते हैं, फॉर कॉनकेव मिरर इट इज द डिस्टेंस एट विच पैरेलल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कन्वर्जेस। कभी कन्वर्ज होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन, अभी तो बताया मैंने तुमको, समझाए, एकदम इजी है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिफाइन लग रहा है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बहुत इजी है, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। क्लियर। चलो एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं फटाफट। याद है पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टेंस, राइट साइड में डिस्टेंस है, पोल के राइट में डिस्टेंस है तो पॉजिटिव, पोल के अगर लेफ्ट में डिस्टेंस है तो नेगेटिव। चलो देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर देखो,
क्या पोल के राइट साइड में फोकल लेंथ आता है क्या? देखो पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस को तो हम लोग बोलते हैं ना फोकल लेंथ, राइट है ना, ये आना चाहिए सबको। तो देखो बताओ पोल के राइट साइड में है क्या फोकल लेंथ? हाँ पोल के राइट साइड में है ना फोकल लेंथ, मींस ये पॉजिटिव आने वाला है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, सिंपल। चलो कॉनकेव देखते हैं। देखो कॉनकेव में ध्यान दो, कॉनकेव में फोकल लेंथ अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पर फोकस, देखो थोड़ा ऊपर बना रहा हूं मैं यहां पे, फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, यही तो होता है फोकल लेंथ, राइट ना, यही तो होता है फोकल लेंथ। देखो पोल के लेफ्ट में दिखाई, देखो ऐसा पोल यहां पर है और पोल के हमको लेफ्ट में दिखाई, देखो पोल के लेफ्ट में ना फोकल लेंथ, यहां पे पोल के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। तो बहुत सिंपल लास्ट पॉइंट है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर के लिए हमारा जो फोकल लेंथ होगा दैट विल बी नेगेटिव, सिंपल एकदम। चलो वही लास्ट पॉइंट देख लो, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, पहले कॉन्वेक्स फिर कॉनकेव आएगा, राइट। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, रीजन बता दिया था, एंड फॉर कॉनकेव मिरर इट इज नेगेटिव, सिंपल, राइट। तो आई थिंक आपको फोकल लेंथ के बारे में एग्जैक्ट सब कुछ, मैंने दो पॉइंट तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया था, राइट, जो याद है मैंने एक डिफाइन बनाया तो हमारा एक्स्ट्रा डिफाइन ही है, वो भी ऐड कर सकते हो अगर ऐड करना है तो चलेगा, राइट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिक्स उसमें भरा हुआ है, ये क्वेश्चन उन्हीं को समझ में आएगा जिसने अभी तक हमारा 9 लेक्चर्स देखा है, राइट। यहां तक तो सबको समझ आया, क्वेश्चन नंबर 23 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मैंने जो पढ़ाया 19 से 23 ये सबको समझ में आया ही रहेगा, इम्पॉसिबल कि नहीं समझ में, एकदम इजी, क्योंकि 8 हम लोग 10th में पढ़ाया हमने ये चीज, राइट। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो तुमको सिर्फ तब समझ में आएगा जब तुमने अभी तक के 9 लेक्चर्स देखे। ये 10th लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा मैक्स टू मैक्स समझाने का, ओके, जो नए हैं वो भी ठीक है, ध्यान दो आ जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखते हैं तो क्या करने वाले हम लोग 9th वाले क्वेश्चन, अभी जो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 20, चलो 24 देखते हैं, लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ध्यान देना, अभी यहां से मैथमेटिक्स, यहां से मजा आएगा तुमको एकदम, ओके। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर्स इक्वेशन, लेंस मेकर्स इक्वेशन, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, हर बार जब भी ऑप्टिक्स चैप्टर आपके 11th साइंस के एग्जाम में होगा कंफर्म ये क्वेश्चन आएगा ही, लेंस मेकर्स इक्वेशन आता ही है, गारंटी, लिख के ले लो, ओके, लेंस मेकर इक्वेशन। चलो देखते हैं व्हाट इज लेंस मेकर इक्वेशन, तो ये समझने के लिए पहले हमको इसका डायग्राम समझ में आना चाहिए, राइट, डायग्राम समझ में आना चाहिए। चलो देखते हैं डायग्राम वगैरह सब बना के बताता हूं तुमको क्या है। तो थियरी जो पार्ट था आज का, मैंने थियोरेटिकल पार्ट सब कंप्लीट कर लिया है, लेट स्टार्ट विद डेरिवेशन, देखते हैं अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन जिसको समझ में आया वो इंपॉर्टेंट है, थियरी तो कोई भी पढ़ लेता है, ओके। तो लेंस मेकर इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले चलो मैं कुछ शॉर्टकट सिखा दूं तुमको, अगर वो शॉर्टकट समझ में आ गया तो जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं आज ग्रुप में, राइट, उनको भी ये डेरिवेशन एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा, अगर मेरा एक शॉर्टकट समझ में आता है तो, ध्यान दो वो शॉर्टकट पहले समझाता हूं, ध्यान दो, देखो डायग्राम में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूं, क्योंकि ये समझा तो ही लेंस मेकर इक्वेशन समझेगा, एग्जाम में कंफर्म 4 to 5 marks के लिए एग्जाम में आता है लेंस मेकर इक्वेशन। देखो ये जो मैंने बताया, ये बनाया, देखो जो मैंने यहां पर बनाया है डायग्राम ऐसा, राइट, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ऐसा एज्यूम करो, एक काम करते चलो थोड़ा सा एडिट इसको करता हूं मैं और थोड़ा बड़ा बनाने का ट्राई करता हूं, ऐसा बनाते चलो, राइट, ऐसा कुछ उल्टा कर दिया मैंने, ये जो मीडियम ये दिख रहा है ब्लैक, ये ब्लैक कलर की लाइन के अंदर जो मीडियम है दैट इज ग्लास, क्या है वो ग्लास लो, या फिर आप ऐसा अज्यूम करो कि ये सेकेंड मीडियम, ये क्या है हमारे लिए सेकेंड मीडियम, समझा है, ये ग्लास को छोड़ के बाकी जो भी मीडियम है, इसके बाहर जो भी मीडियम है उसको हम लोग अज्यूम करेंगे फर्स्ट मीडियम, क्या अज्यूम करने वाले हैं फर्स्ट मीडियम। देखो ये थियरी है, ये कोई भी पढ़ सकता है, किसको भी आ जाएगा, ये समझ में आना, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझा तो साइंस में हम लोग समझ सकते हैं, राइट, ऐसा सेकंड मीडियम याद है बाउंड्री लाइन के अंदर, फर्स्ट मीडियम बाउंड्री लाइन के बाहर, एक फॉर्मूला है, राइट, वो मैंने आपको सिखाया था रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व्ड सरफेस, वहां पर सिखाया था वो फॉर्मूला का एक शॉर्टकट, सुनो फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये यू नहीं है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ा है 10th पे, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस, ये फॉर्मुला बता रहा हूं डायरेक्ट, अभी के लिए याद करना पड़ेगा, अगर आपको उसको समझना है तो अभी के 9 lectures देखो तो समझ में आ जाएगा फॉर्मुला कहां से है, राइट। तो अभी के लिए फॉर अ टाइम बीइंग मैं तुमको शॉर्टकट सिखा दूं, क्योंकि ये डेरिवेशन मुझे तुमको समझाना है इसके लिए, राइट, देखो क्या होगा, सिंपल शॉर्टकट है, स्टेटमेंट याद करो मेरा क्या मैं बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस,
right, minus refractive index of first medium upon ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इतना समझ में आया क्या? मत समझ में तो तुमको याद करना है पहली बात तो इसको. सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस, देखो, माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर के दोनों चीज को माइनस कर दो, म्यू टू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट. समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मैंने दोनों के न्यूमरेटर को माइनस कर दिया है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? क्या आएगा यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम आएगा यहाँ पे अपॉन आर वन. ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आया है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा. और ऐसा मत याद करो 2 1, ऐसा मत याद करो जैसा मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वैसा. तो मैं मेरा स्टेटमेंट क्या सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर. किसका? फर्स्ट का, राइट? जो सरफेस, जो भी आप मिरर ले रहे हो उसका सरफेस, उसका ऐसा, राइट? समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है? सिंपल. अगर ये फॉर्मूला याद है, मैं जो बोल रहा हूं वो स्टेटमेंट याद है, ये समझने से हमको कोई नहीं रोक सकता है. लेंस मेकर इक्वेशन देखो क्या है. स्टार्ट करते हैं फटाफट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद डायग्राम. डायग्राम से स्टार्ट करते हैं पहले, राइट? डायग्राम से स्टार्ट करते हैं और डायग्राम से पहले सब कुछ समझने का ट्राई करते हैं. डायग्राम, ओके, डायग्राम में ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने जा रहे हैं हम लोग. डायग्राम देखो, फॉर्मूला तो ये याद होना ही चाहिए. ये म्यू टू ऐसा नहीं जैसे मैंने बोला वैसा है. ओके ओके, ध्यान दो. एक हम लोग कॉन्वेक्स लेंस एज्यूम करते हैं. क्या एज्यूम कर रहे हैं हम लोग? एक कॉन्वेक्स लेंस. हाँ, मिरर नहीं, मिरर पढ़ाया, लेंस अभी तक नहीं पढ़ाया, लेंस एज्यूम कर रहे हैं. ध्यान दे रहा, कॉन्वेक्स लेंस दिखता कैसे? दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. मैं डायग्राम थोड़ा छोटा बना रहा हूं क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स भी यही बोर्ड पे करना है, राइट? तो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, दिस इज द डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस, राइट? चल, लेंस का बहुत सारा पैरामीटर होता है, सब कुछ बनाते हैं वन बाय वन फटाफट. लेट्स ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस विच पासेस थ्रू ऑप्टिक सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस. ये तीन पॉइंट से आपका पास होता है प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो लेट्स ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस. ये दिख रहा है आपको प्रिंसिपल एक्सिस? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. देखो, मैं एक डेरिवेशन सिखाने जा रहा हूं जो बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगा. बहुत इतना इजी कर दूंगा, एक बार में देख के समझ में आ जाएगा ऐसा. तो देखते चलो फटाफट जल्दी जल्दी क्या क्या हमने अभी तक क्या क्या बनाया. देखो, सबसे पहले मैंने यहां पे देखो, ये लेंस में एक्चुअल में दो सरफेस है. ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज फर्स्ट सरफेस, राइट? है ना, ये फर्स्ट सरफेस है. ये दिख रहा है यहां पर, ये दिस इज सेकेंड सरफेस, राइट? सेकेंड सरफेस. और क्या है हमारे पास? हाँ, बीच में यहां पे हमारे पास ऑप्टिक सेंटर है. ओके, ठीक है, ऑप्टिक सेंटर भी है. चलो P बोल देता हूं मैं, P इज द ऑप्टिक. P मतलब पोल नहीं होता है हमेशा, राइट? लेंस वाले केस में P मेरे लिए समझो ऑप्टिक सेंटर है. कुछ भी ले सकते हैं हम, अल्फाबेट कुछ भी चलता है. अच्छा, अब क्या करना है सुनो. चलो एक ऑब्जेक्ट एज्यूम करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट में ले रहा हूं. क्या ले रहा हूं? पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट आपको दिखाई देगा, राइट? और पॉइंट ऑब्जेक्ट जो पॉइंट पे है, उस पॉइंट का नाम O है. O इज द पॉइंट वेयर द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड. समझा? ओके, अच्छा याद करो, अभी के 9 लेक्चर्स में मैंने अभी तक सिखाया है, एक ऑब्जेक्ट से कितना रे ऑफ लाइट निकलता है? हमेशा एक ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट निकलता है. एक्चुअल में तीन निकलता है, लेकिन दो से हमारा काम हो जाता है. तो मैं सिर्फ दो ही रे ऑफ लाइट बनाऊंगा, राइट? चलो, लेट्स ड्रॉ टू रे ऑफ लाइट एमर्जिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट. देखो, सबसे पहला जो रे ऑफ लाइट है वो बहुत ईजी है, पहले बना दो, राइट? जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है वो बहुत ईजी, इसके लिए मैं उसको पहले बना देता हूं. ध्यान दो, इसको मैंने रब इसलिए किया, रीजन इसके पीछे, फर्स्ट रे ऑफ लाइट ऑप्टिक सेंटर से पास होता है, राइट? तो देखो, जो रे ऑफ लाइट है मैं ना उसको ब्लू कलर से बना रहा हूं. ब्लू कलर मींस रे ऑफ लाइट, राइट? तो द फर्स्ट रे ऑफ लाइट आप बोल सकते हो, या फिर वन ऑफ द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिक सेंटर. ये हमारा फर्स्ट रे ऑफ लाइट है, या फिर बोल सकते हो वन ऑफ द रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रहा है? ऑप्टिक सेंटर से पास हो रहा है, ऑप्टिक सेंटर वाले पॉइंट से पास हो रहा है, राइट? ऐसा पास हो रहा है. और अच्छा, आप ऐसा ही बोल सकते हो, इट इज पासिंग अलोंग, या फिर इट इज ट्रेवलिंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से जा रहा है. देखो, रेड कलर से जो मैंने बनाया था वो प्रिंसिपल एक्सिस था, राइट? अब रेड कलर नहीं आएगा पूरे में क्योंकि उसके ऊपर से लाइट भी तो जा रहा है. समझा? ओके, आगे बढ़ते हैं. अभी
हाँ, ये तो हो गया एक रे ऑफ लाइट. मैंने क्या बताया, एक ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट दो रे ऑफ लाइट निकालो, जिससे हमारा डेरिवेशन इजी हो जाता है. दो रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट तो बना दिया, चलो बनाते. लेट्स ड्रॉ सेकंड रे ऑफ लाइट. ओके, सो द सेकंड रे ऑफ लाइट वो ऐसा कुछ आता है, राइट? ऐसा आएगा सेकंड रे ऑफ लाइट, राइट? ओके, चलो कुछ एजम्पशन पहले कर लेते हैं. ये लेंस जो है, लेंस के अंदर का मीडियम तुमको मालूम है, ग्लास होगा. अरे ग्लास होगा ना, कांच से बना रहेगा, और किससे बना रहेगा? ग्लास. इसके बाहर जो मीडियम है, क्या एयर लेते हैं, एज्यूम करते हैं हवा है, समझो एयर, 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 ये हुआ. और अंदर जो मीडियम वो क्या है, दैट इज ग्लास. चलो एज्यूम कर लेते हैं सेकंड मीडियम इज ग्लास, चलेगा, एकदम सिंपल. ओके, अभी फर्स्ट मीडियम क्या है, सेकंड मीडियम क्या है, ये कैसे समझ में आया हमको? बहुत ईजी, देखो स्टेटमेंट मेरा एक ध्यान दो. जहां से लाइट आ रहा है दैट इज फर्स्ट मीडियम, समझो. मैंने क्या बताया, जहां से लाइट आ रहा है दैट इज फर्स्ट मीडियम, जहां पे लाइट जा रहा है सेकंड मीडियम, समझा? एकदम इजी है. जहां से लाइट आ रहा है दैट इज फर्स्ट मीडियम, माइंड में फिट करके रख लो ये पॉइंट, बहुत इजी है. जहां से लाइट आ रहा है वो फर्स्ट मीडियम, जहां पे लाइट जा रहा है वो सेकंड मीडियम. अगर ये समझा है, डेरिवेशन बहुत इजी है हमारे लिए. अभी के लिए मुझे फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम काम में नहीं आएगा. जैसे ही मैं मैथमेटिक्स चालू करूंगा, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम का गेम चालू हो जाएगा, राइट? तो पॉइंट याद रखो, जहां से लाइट आ रहा है दैट इज फर्स्ट मीडियम, जहां पे लाइट जा रहा है दैट इज सेकंड मीडियम. ओके, सो लेट्स ड्रॉ, देखते हैं आगे बनाते हैं इसमें. हाँ, एक बात बताओ, लाइट ये दिख रहा है जो मैंने जो सेकंड टाइम बनाया रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट एयर से कहां ट्रेवल कर रहा है? एयर से ग्लास में जा रहा है, राइट? है, अगर मीडियम चेंज होता है तो लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है, राइट? चलो लाइट का डायरेक्शन चेंज करते हैं. ग्लास के अंदर लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो पहले ऐसा आया था अब वो सीधा जाएगा, समझो ऐसा कुछ हो जाएगा. हो सकता है ऐसा होता है, समझ में आ रहा पॉइंट क्या? ओके, अभी तो लाइट ऐसा आया, यहां पर ऐसा गया. अब क्या होगा, सुनो. अब यहां पर लॉजिक ऐसा है कि यहां से जो रे ऑफ लाइट है, देखो एयर से ग्लास में आया तो डायरेक्शन चेंज. अरे एयर से ग्लास में आया, देखो ना डायरेक्शन चेंज हो गया, सीधा जाना चाहिए था ना, बेंड हो गया, देखो ऐसा, राइट ना? अब फिर से ग्लास से कहां पे जा रहा है, एयर में जा रहा है, वापस चेंज हो गया डायरेक्शन. देखो तो एक्चुअल में यहां पे क्योंकि दो दो सरफेस इन्वॉल्व है, मैं एट ए टाइम एक सरफेस लेता हूं. क्या लेता हूं? एट ए टाइम एक सरफेस. देखो एक काम करता हूं, एक टाइम पे एक सरफेस समझाऊं ना तुमको तो और ज्यादा बेटरली समझ में आएगा. देखो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं. रे ऑफ लाइट आया, ये फर्स्ट सरफेस को स्ट्राइक किया. मैं सिर्फ फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूं, राइट? ध्यान दो, सेकंड सरफेस का गेम स्टार्ट हुआ ही नहीं, मैं सिर्फ फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूं. फॉर फर्स्ट सरफेस जो आपका, देखो फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूं, इसका मतलब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, वो टाइम पे आप सेकंड सरफेस को एज्यूम करो कि वो नहीं है वहां पर. सिर्फ मैं अगर बोल रहा हूं कि फर्स्ट सरफेस, मतलब फर्स्ट सरफेस ही प्रेजेंट है. तो लाइट आया, एयर से ग्लास में जा रहा है, और जब एयर से ग्लास में जा रहा है तो रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और रे ऑफ लाइट ऐसा कुछ जाता है. समझाया क्या बताया मैंने यहां पर, राइट? समझाया, एयर से जब ग्लास में रे ऑफ लाइट आता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होना है. इस टाइम पे मैंने क्या एज्यूम किया है कि सेकेंड सर्फेस नहीं है, समझा? चलो ये काम हो गया. अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि सेकेंड सर्फेस है. पहले हो गया ना सेकेंड सर्फेस नहीं है, अब हमको कैसे एज्यूम करना है कि सेकेंड सर्फेस है. अगर सेकेंड सरफेस है तो जब लाइट ग्लास से एयर में आता है तो क्या वो अपने स्ट्रेट लाइन में जाएगा क्या? नहीं. ग्लास से एयर में आया मतलब मीडियम चेंज, मीडियम जब भी चेंज, एयर से ग्लास में जाने दो या तो ग्लास से एयर में जाने दो, मीडियम चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, कंफर्म. अब मैं सेकेंड सरफेस एज्यूम कर रहा हूं कि सेकेंड सरफेस है. ओके, एक बात बताता हूं, थोड़ा और स्लो जाते हैं, ध्यान दो क्योंकि इतना इजी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं तुमको. देखो फर्स्ट रे ऑफ लाइट बहुत इजी था हमारे लिए, सेकेंड रे ऑफ लाइट जब मैंने बनाया तो उसमें दो पॉइंट है. पहला पॉइंट ऐसा है कि जब मैं फर्स्ट रे ऑफ लाइट, मेरा फर्स्ट सरफेस को इंसिडेंट होता है तो लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, राइट? और जब भी लाइट एयर से ग्लास में आएगा रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा, और डायरेक्शन चेंज हुआ, दो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट होने के बाद जिधर मीट होते ना उस पॉइंट पे बनता है इमेज. क्या बनता है यहां पर? इमेज. और इमेज को मैंने नाम दिया है आई डैश, राइट? ये बात समझो, ये इमेज कब बना है? ये इमेज सिर्फ तब बना है जब रिफ्रैक्शन हुआ है सिर्फ फर्स्ट सरफेस से. मैंने सेकंड सरफेस का गेम स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक, समझा? फर्स्ट सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज कहां बनेगा? आई डैश, समझा? ओके, अब फर्स्ट सरफेस खत्म हो चुका है, अब आते हैं हम लोग सेकंड सरफेस पे. सेकंड सरफेस पे अगर आप आ रहे हो तो सिर्फ एक रे को ध्यान दो. सेकंड सरफेस के लिए बताओ इंसिडेंट रे कौन है? मैं नाम देता हूं तो थोड़ा और क्लियर समझ में आ जाएगा.
ओ नाम दिया है, पी नाम दिया, समझो इसको नाम देते हैं ए, ये पॉइंट को ए नाम दिया है और ये पॉइंट को नाम देते हैं बी, चलेगा? समझा? एक बात बताओ, फर्स्ट सरफेस, याद है जो फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कौन है? अगर मैं तुमको क्वेश्चन पूछूं फॉर फर्स्ट सरफेस व्हाट इज द, विच इज द इंसिडेंट रे, तो तुम्हारा आंसर होगा सर OA, दिख रहा है OA, OA is the incident ray for first surface, ये तुम्हारा आंसर है। अगर मैं तुमको क्वेश्चन पूछूं what is the incident ray for second surface, तो तुम्हारा आंसर होगा सर AB is the incident ray for second surface, समझा? अरे देखो ना, second surface के लिए ये थोड़ी रे हमारा काम का है, हमारा रे काम में जो है that is AB, AB हमारा इंसिडेंट रे है, और AB अगर इंसिडेंट रे है तो जब वो ग्लास से एयर में आएगा तो क्या वो सीधा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ग्लास से एयर में आया मतलब मीडियम चेंज, मतलब डायरेक्शन भी चेंज। देखो डायरेक्शन चेंज करते हैं तो यहां से जो रे ऑफ लाइट है वो सीधा तो जाने वाला नहीं है, राइट? अब वो जाएगा थोड़ा बेंड होके जाएगा और समझो यहां पे गया, राइट? तो यहां देखो, समझ आ रहे कहां गया रे ऑफ लाइट? चलो एक बार फिर से मैं ड्रॉ करके बता दूं, ये अगर नहीं दिखता होगा थोड़ा जूम करो, प्रॉपरली दिखाई देगा सबको। तो मैं सेकेंड रे ऑफ लाइट बना रहा हूं जो सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर गया है, ये दिख रहा है यहां पर, ऐसा कुछ, समझ में आया? अब बोलो सर दो दो क्यों बनाया यहां पे? अरे दो नहीं है, वो एक ही है। सुनो, फर्स्ट सरफेस का अगर मैं तुमको रिफ्रैक्टेड रे पूछूं, रिफ्रैक्टेड रे फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस में लाइट का डायरेक्शन कहां चेंज हुआ? ए आई डैश पे चेंज हुआ। देखो ए, देखो जाना ऐसा था लेकिन गया ए आई डैश। सेकेंड सरफेस पे रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन कहां चेंज हुआ? तो चलो मैं एक नाम यहां पे लेता हूं आई, चलेगा? तो सेकेंड सरफेस के लिए रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन कहां चेंज हुआ? बी आई, समझा? अरे बहुत इजी है, सेकेंड सरफेस के बाद में देखो, सेकेंड सरफेस के बाद क्या दिख रहा है आपको? बी आई दिखता है, राइट? और फर्स्ट सरफेस के बाद क्या दिख रहा है? ए आई डैश, सीधा देखना है आपको, सीधा एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए, समझ गया? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक लास्ट टाइम रिपीट कर दूं, डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बहुत इजी है अगर ये फॉर्मुला याद है तो, राइट? देखो लास्ट टाइम रिपीट, कॉन्वेक्स मिरर लिया हम लोग ने, दो सरफेस है, सरफेस वन सरफेस टू, एक ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट ओ पे, ऑप्टिक सेंटर पी है, आई डैश वो इमेज है जो फर्स्ट सरफेस ने बनाया, राइट? आई वो इमेज है जो सेकेंड सरफेस ने बनाया। एक्चुअल इमेज बोलेंगे सर हमको नहीं समझ आ रहा है, कौन सा फर्स्ट इमेज क्या सेकंड इमेज, इमेज तो एक ही रहना चाहिए क्योंकि लेंस एक है। तो हाँ करेक्ट आंसर है, एक लेंस के लिए इमेज तब बनेगा जब सेकंड सरफेस को लाइट पार करेगा ना, तो जब सेकंड सरफेस को जो इमेज है वो आपका एक्चुअल इमेज है, राइट? आई मींस क्या है, जो मेन एक्चुअल इमेज वो है आई। आई डैश क्या है? आई डैश एक समझो इमेज फर्स्ट सरफेस के लिए, आई इमेज सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस बोल रहा हूं मतलब मैं लेंस बोल रहा हूं, ऐसा समझो, राइट? ओके तो सब कुछ समझ में आ गया। चलो डिस्टेंस फटाफट बता देते हैं, जैसे अभी तक हमने यहां पे किया ना सेम वही डिस्टेंस लेते हैं, जल्दी जल्दी देखो, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय यू, पढ़ा है उन्होंने टेंथ में, याद है? यू मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नाम में ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस लो, हमेशा डिस्टेंस पोल से कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं तो ऑब्जेक्ट से पोल, अगर मैं इमेज डिस्टेंस बोल रहा हूं तो इमेज से पोल, और इमेज डिस्टेंस को याद करो स्मॉल v से डिनोट किया हम लोग ने टेंथ स्टैंडर्ड में, याद है क्या सबको? अच्छा, आई इमेज है राइट इमेज, एक्चुअल इमेज है, इससे जो पोल तक का डिस्टेंस था वो v है, आई डैश भी तो इमेज है ना, आई डैश भी इमेज है, वो बात अलग है कि वो फर्स्ट सरफेस का इमेज चलेगा ना, लेकिन इमेज वो भी है, तो मैं उसको भी v से ही डिनोट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा वहां पे मैं एक चेंजेस करता हूं, राइट? ध्यान देना वो चेंजेस क्या है, मैं यहां पे एज्यूम करता हूं v डैश, चलेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डैश जो इमेज है, इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस v डैश, आई इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस v, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? दोनों स्मॉल है, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि तुमको वीडियो में थोड़ा बड़ा दिखाई दे, बस स्मॉल u, स्मॉल v, स्मॉल v डैश, समझा? चलो अच्छा, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आएगा, वो देखेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाया नहीं मैंने यहां पे, समझ लेना अभी, चलो ठीक है। तो राइट है, इसको मैं रब करने जा रहा हूं, या फिर एक काम करते, तुमको बताने के टाइम पे इसका जरूरत पड़ेगा तो स्टार्ट करूंगा ऊपर, तो बाद में जब यहां तक आएंगे तभी हम इसको रब कर देंगे। ओके तो ये समझा है, स्टार्ट करते हैं अब फटाफट मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। ओके मैथमेटिक्स पे ध्यान दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत थियरी तुमको यहां पे लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत थियरी तुमको यहां पर लिखना पड़ेगा, वो थियरी ठीक है जो मैंने बताया वही है। देखो थियरी क्या है बताना पड़ेगा, व्हाट इज यू, चलो यहां पे मैं बता देता हूं, फिर वहां से मैथमेटिक्स स्टार्ट ही कर, थियरी में भी बता देता हूं थियरी क्या है। ओके तो थियरी स्टार्ट करते हैं, मीन्स थोड़ा कंस्ट्रक्शन बता देते हैं।
कंस्ट्रक्शन। अच्छा, सब कुछ मैं लिखने वाला नहीं हूं, लिखने का काम तुम्हारा है, बोलने का काम मेरा रहेगा, ध्यान दो। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज स्मॉल यू, तो क्या बोलोगे? व्हाट इज स्मॉल यू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट ना? ओके, व्हाट इज कैपिटल पी? ऑप्टिक सेंटर, राइट ना? पोल थोड़ी है वो, पोल तो मिरर में आता है, लेंस में ऑप्टिक सेंटर आता है, राइट? और अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज आई डैश, तो आपका आंसर होगा सर आई डैश इज द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस, राइट ना? अगर पूछूं व्हाट इज आई, तो बोलेगा सर आई इज द इमेज फॉर्म्ड बाय सेकेंड सरफेस, चलेगा ना? सिंपल है, तो आई थिंक हो गया सब कुछ यहाँ पे ना। हाँ चलो और कुछ बताते हैं, व्हाट इज R1? अगर मैं आपको R1 पूछूं, R1 छोड़ो पहले R पे ध्यान दो, R means क्या होता है? R means radius of curvature, right ना? R means क्या? Radius of curvature, okay. तो अगर मैं तुमको R1 पूछ रहा हूं, तो R1 का मतलब क्या होगा? One और two represent क्या कर रहा है पहले वो समझो, one और two represent कर रहा है first surface को और second surface को। तो अगर मैं पूछूं what is R1, तो तुम्हारा आंसर होगा सर R1 is the radius of curvature for first surface। कैसे मालूम पड़ा फर्स्ट सरफेस? अरे क्वेश्चन में ही है, वन बोल रहा हूं ना, तो फर्स्ट सरफेस, राइट? देन व्हाट इज आर टू? आर टू मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस, सिंपल है एकदम, ओके। तो आई थिंक हो गया सब कुछ। अच्छा ये म्यू वन म्यू टू बाकी, चलो म्यू वन म्यू टू बोल देते हैं। अच्छा बताओ व्हाट इज म्यू वन? म्यू वन म्यू का मतलब पहले देखो, ये सिंबल दिख रहा है, सिंबल का नाम म्यू है, म्यू। लेकिन फिजिक्स में म्यू को हम ये केस में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? अगर मैं बोलूं तुमको म्यू वन, तो बोलेगा सर म्यू वन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, वन मींस फर्स्ट मीडियम, राइट? अगर पूछूं व्हाट इज म्यू टू, तो आप बोलोगे सर म्यू टू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सब क्लियर एकदम। लास्ट टाइम रिपीट करते हैं, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी ऑप्टिक सेंटर, आई डैश इमेज फॉर्मड बाय फर्स्ट सर्फेस, what is I? Image formed by second surface, what is R1? Radius of curvature of first surface, R2? Radius of curvature of second surface, mu1? Refractive index of first medium, mu2? Refractive index of second, that's complete, samjha? तो इतना भी लिख दिया ना, construction में काफी है, right? Simple, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, okay, आते हैं mathematical expression में, let's start with mathematical expression, तो start करते हैं, चलो mathematical expression, ये बहुत important है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ा फटाफट करूंगा क्योंकि बहुत इजी है और थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, तो तुमको थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, नहीं तो मुझे फिर से रब करके करना पड़ेगा ऐसा, राइट? लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ऑलरेडी हमने डायग्राम और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है, लेट्स स्टार्ट विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। थोड़ा सा कैसा है कि थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ में आ जाएगा अगर ये फॉर्मूला सबको आता है तो। मींस रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व्ड सरफेस, आपने अगर पढ़ा है लेक्चर तो बहुत इजी आ जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था इसको याद कर लो, दैट्स इट कंप्लीट। एक लास्ट टाइम मैं फॉर्मूला रिपीट करता हूं, ध्यान दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस, वी मींस क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, राइट? माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को माइनस कर दो, म्यू टू माइनस वी वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा है वो डिपेंड करेगा आपको कि आप कौन सा सरफेस देख रहे हो, राइट? तो एक काम करते हैं, हमारे पास दो सरफेस है, सरफेस वन सरफेस टू, तो दोनों एट ए टाइम नहीं ले सकते, एक टाइम पे एक ही लेते हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले मैं यहां लेता हूं फॉर फर्स्ट सरफेस, राइट? फॉर फर्स्ट सरफेस, अगर मैं फर्स्ट सरफेस देख रहा हूं तो, अगर आपको फॉन्ट नहीं भी दिखता होगा तो देखो ट्राई करो जूम करके, नहीं तो एटलीस्ट वॉइस सुनो मैं जो बोल रहा हूं, राइट? मैं फर्स्ट कंसिडर कर रहा हूं फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो देखो, फर्स्ट सरफेस के लिए पहले ये बताओ सेकेंड मीडियम क्या है और फर्स्ट मीडियम क्या है। देखो फर्स्ट सरफेस ऐसा दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ऐसा, तो इसका मतलब है ये एग्जैक्ट तुम्हारे डायग्राम से मैच हो रहा है, बराबर ना? सिंपल है। देखो हमारे लिए अंदर क्या है? अंदर ग्लास है और बाहर क्या है? एयर। इससे अच्छा मैं तुमको ये बता देता हूं, चलो और कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्लास को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सेकेंड मीडियम और एयर को मैं एज्यूम करूंगा फर्स्ट मीडियम। ऐसा हर बार नहीं होगा, पहले समझ लो, ऐसा हर बार नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था फर्स्ट और सेकेंड मीडियम कैसे डिसाइड करने का? जहां से लाइट आया वो फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट सरफेस के लाइट एयर से आ रहा है ना, और जहां कहां पे रहा है? ग्लास के अंदर।
तो मतलब वो ग्लास हमारा सेकंड मीडियम, ऐसा डिसाइड करते हैं राइट। तो फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम डिसाइड कर लो राइट। ओके एक बात बताओ, फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज कहां बनाया, आई डैश राइट है ना। अरे अभी तो बताया था आई डैश वो इमेज जो फर्स्ट सरफेस बना रहा है, तो इमेज ये इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस क्या है, वी डैश, याद है। देखो मैंने बताया था पहले सेकंड मीडियम आएगा उसके नीचे इमेज डिस्टेंस आएगा। इमेज डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सरफेस आप ले। चलो एक काम करते एट ए टाइम, मैं एक काम करता हूँ। देखो पहले न्यूमरेटर तो बता सकते हैं न्यूमरेटर क्या राइट। देखो न्यूमरेटर में ऐसा आएगा, पहले आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस आएगा राइट। इमेज देखो ये फॉर्मूले के हिसाब से इमेज डिस्टेंस, फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज बन रहा है आई डैश पे, तो इमेज डिस्टेंस है वी डैश। समझ आ रहा है, हर बार एग्जैक्ट ये अल्फाबेट नहीं आएंगे, अल्फाबेट चेंज होंगे, इसलिए मैंने बोला नाम से याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस माइनस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा याद रखो, अल्फाबेट याद रखा रॉन्ग हो जाएगा। देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है वो ढूंढो। ये रहा दिख रहा है, ये है हमारा फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट मैंने कहां पे रखा है, ओ पे रखा है ना। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे, ओ पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हुआ ना। तो ये तो मैच हो गया, वहां से चलता है राइट। यू इज इक्वल टू क्या करता हूं, मैं न्यूमरेटर को माइनस करता हूं। फॉर्मुला देख लो, म्यू टू माइनस म्यू वन, देखो माइनस किया यहां पे, तो मैं भी माइनस करूंगा। न्यूमरेटर माइनस करते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखते हैं, लेकिन वो रेडियस ऑफ कर्वेचर लो जो सरफेस लिया है। कौन सा सरफेस हमारे पास, फर्स्ट सरफेस है, तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन चलेगा, चलेगा एकदम सिंपल। मैंने ऑलरेडी बताया यहां पर आर वन आर टू क्या क्या है, क्लियर है राइट, सिंपल। सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर वन, हम इसको कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर वन, चलेगा एकदम सिंपल है राइट। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट सर्फेस कंप्लीट राइट। सेकेंड सर्फेस स्टार्ट करने से पहले सब कुछ चीज क्लियर कर दूं। देखो क्या क्या लगता है, इमेज डिस्टेंस लगता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लगता है, बस यही दो चीज तो है। एक बात बताओ, सेकेंड सर्फेस जो हमारा है, सेकेंड सर्फेस के लिए इमेज कहां बन रहा है अनुज, बता इमेज कहां बन रहा है सेकेंड सर्फेस के लिए। इमेज इमेज आई पे राइट ना, सेकेंड सर्फेस के लिए इमेज बन रहा है आई पे राइट है। फर्स्ट सर्फेस के लिए किधर बन रहा था, आई डैश राइट है ना, एकदम सिंपल। ओके तो सिंपल पॉइंट ये है, फॉर सेकेंड सर्फेस इमेज बन रहा है आई पे, अगर सेकेंड सर्फेस के लिए इमेज आई पे बन रहा है तो अनुज बता इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा अपना, वी डैश। ध्यान से सुन, सेकेंड सरफेस के लिए इमेज आए ना, सेकेंड सरफेस के लिए इमेज आए तो इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा, वी रहेगा। समझा पॉइंट क्या है, तो इमेज डिस्टेंस पहले वी डैश लिया है क्योंकि वो फर्स्ट सरफेस था। अभी हम लोग कहां पे, अभी हम लोग सेकेंड सरफेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, चलो लिख देता हूं तो और क्लियर समझेगा। तो पॉइंट ऐसा है, सेकेंड पॉइंट फॉर सेकेंड सरफेस, अभी हम लोग सेकेंड सरफेस में काम कर रहे हैं, फॉर सेकेंड सरफेस। चलो एक बार फिर से अनुज वापस को बताना पड़ेगा, दो चीज बताना पड़ेगा, इमेज और ऑब्जेक्ट, बराबर इमेज में बताएगा। लेट्स स्टार्ट फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस देखते हैं। सेकेंड सरफेस पे दो काम है, एक इमेज डिस्टेंस है और एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इमेज हमको क्लियर राइट, एक बार फिर से देखते हैं, फिर से फटाफट देखो सेकेंड सरफेस, ध्यान दो सेकेंड सरफेस पे, बता अनुज सेकेंड सरफेस पे, सेकेंड सरफेस के लिए इमेज कहां है, आए राइट। सेकेंड सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या है, वी। सेकेंड सेकेंड सरफेस के लिए इमेज देख, आई के लिए वी, आई डैश के लिए वी डैश, सिंपल। आई डैश आया तो वहां पे वी डैश रहेगा, पहले के लिए वी डैश में आएगा। ओके तो इतना क्लियर है कि जो सेकेंड सरफेस का जो इमेज डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा वी, क्लियर ना, इतना समझे। ओके तो मैं को नीचे यहां पे वी लिखना पड़ेगा, आगे आगे सुना ध्यान दो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सोचने का है, मैं बताता हूं ऑब्जेक्ट, ध्यान दो देखो ये बताना पड़ेगा क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। सेकेंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है आई डैश, याद रहेगा। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, आई डैश, सिंपल। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तुम लोग सेकेंड सरफेस के लिए ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, इंपॉसिबल है। ये ऑब्जेक्ट तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट सरफेस के लेके यू लिख दिया पहले से, देखो ना ऑब्जेक्ट से, देखो यू लिख दिया पहले से। अब ये ऑब्जेक्ट आपका सेकेंड सरफेस कैसे हो सकता है, ऑलरेडी वो एक सरफेस का ऑब्जेक्ट बन चुका है। सेकेंड नया सरफेस के लिए नया ऑब्जेक्ट, सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है बता अनुज, आई डैश। ध्यान से सुना, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस को तो बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर से
ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस क्या रहता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी दिख रहा है तो भी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो सकता है, ये पहले समझ लो, राइट। फिर से एक लास्ट टाइम ध्यान दो, आई डैश ऑब्जेक्ट है किसके लिए? सेकेंड सर्फेस, राइट। आई इमेज है सेकेंड सर्फेस के लिए, क्लियर। इमेज से पोल, इमेज से लेके ऑप्टिक सेंटर तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस वी, ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिक सेंटर तक का डिस्टेंस वी डैश, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा ना। ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट देखो क्लियर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, क्लियर ना। वी डैश क्या है हमारे लिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और वी क्या है? इमेज। कंफ्यूज होने का नहीं, कंसेप्ट समझो, समझा, एकदम सिंपल। अच्छा चलो, नीचे का तो क्लियर हो चुका है हमारा, अब प्रॉब्लम आएगा वन टू वाला लॉजिक क्या है, समझा है? हमेशा ऐसा फॉर्मूला लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं देखो पहले बताया, देखो फॉर्मूला ऐसा था लेकिन देखो इधर वीडाश आ गया, राइट। तो कंसेप्ट याद रखो, ओके। मेरे को यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा फर्स्ट मीडियम क्या है, सेकंड मीडियम क्या है, राइट है। चलो डिसाइड कर, देखो बहुत इजी डिसाइड करने का, कहां से लाइट आया, मतलब जहां से भी लाइट आया वो फर्स्ट मीडियम, ओके। ध्यान दो, सेकेंड सरफेस के लिए लाइट जो इंसिडेंट है वो क्या है? सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बता सकते हैं अनुज क्या है? सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट लाइट क्या है, नाम बता सकते हैं? ए बी ना, सेकेंड सरफेस पे आना चाहिए ऐसा, राइट। सेकेंड सरफेस पे जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आया वो ए बी है। अब बताओ ए बी लाइट आया ना, तो ये कौन से मीडियम से आया? एयर से, एयर में है कि ग्लास में? ग्लास में। तो इसका मतलब अब मुझे पूरा गेम चेंज करना पड़ेगा, अब ग्लास सेकेंड मीडियम नहीं है और एयर फर्स्ट मीडियम नहीं, अब चेंज हो गया सब कुछ। सेकेंड सरफेस के लिए ए बी इंसिडेंट रे है ना, तो ये इसको मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा, ग्लास वाला जो मीडियम है इसको मुझे, जो पहले सेकेंड था अभी वो क्या बन जाएगा, अभी वो फर्स्ट बन जाएगा, राइट ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब मैं एयर को यहां से रब करके आगे बनाता हूं। ये ग्लास से लाइट आया इसलिए मैंने ग्लास को फर्स्ट मीडियम लिया, लाइट गया कहां पे? एयर में। अब तो एयर में अपने क्या लेना पड़ेगा, सेकेंड मीडियम। तो मुझे यहां पर एयर में अज्यूम करना पड़ेगा सेकेंड मीडियम, एयर मेरे लिए सेकेंड, समझ में आ गया अभी लॉजिक क्या है, फर्स्ट क्या है सेकेंड क्या है पहले क्लियर कर लो, समझा क्या है, एकदम इजी, ओके। तो फर्स्ट और सेकेंड आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या क्या लॉजिक है, राइट। तो याद है ना सब कुछ क्या क्या था, ओके। देखो मैं तुमको अभी यहां पर थोड़ा कंफ्यूज करता हूं, देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं। हमने ऑलरेडी पहले अज्यूम कर लिया है कि वन को, एयर और ग्लास को मैंने पहले अज्यूम किया था, याद है, एयर और ग्लास को मैंने अज्यूम पहले से कर लिया है। अब उसके हिसाब से मुझे यहां पे थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, देखो। तो याद है सबको फॉर्मूला क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आना चाहिए सेकेंड मीडियम का, अपॉन क्या आता है इमेज डिस्टेंस, राइट ना, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आना चाहिए फर्स्ट मीडियम का, अपॉन क्या आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यहां पे वी डैश है ना, राइट ना, समझा। देखो फिर से मैं अभी तक मैंने लिखा नहीं, जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूं, आएगा हमको बहुत इजी आ जाएगा, बहुत ही। देखो पहले आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा हमको इमेज, तो हमारा सेकंड सरफेस का इमेज तो वी है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम मींस म्यू टू अपॉन वी आ जाएगा, राइट। फिर माइनस करना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन, हमको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या है वी डैश, राइट ना, समझ में आया। देखो मैं तुमको कंफ्यूज कर रहा हूं लेकिन मैं फिर से बताऊं, आ गया देखते हैं देखो क्या होता है। देखो अगर फॉर्मूले के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो, फर्स्ट सरफेस कंप्लीट हो चुका है, लेट्स स्टार्ट विद सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस के लिए हमने फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम सब कुछ डिफाइन करके रखा है, जस्ट लिखने का काम बाकी, ओके। देखो जो जो हमको पहले से मालूम पहले वो लिख देते, देखो हमको मालूम है इमेज डिस्टेंस क्या है, बराबर। सेकेंड सरफेस के लिए इमेज बन रहा है आई पे, इसके लिए इमेज डिस्टेंस है वी, चलेगा क्लियर एकदम, राइट। माइनस, अब मैं देखो मैं पहले डिनोमिनेटर लिख रहा हूं क्योंकि बहुत क्लियर है डिनोमिनेटर हमारे लिए। माइनस नीचे आता है ऑब्जेक्ट, देखो नीचे क्या आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट ना। ऑब्जेक्ट सेकेंड सरफेस के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज आई डैश, राइट। अगर सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आई डैश है तो मेरा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगा वो वी डैश होने वाला है, राइट ना। तो मुझे यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को वी डैश करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या? अरे बहुत इजी है, आई डैश ऑब्जेक्ट सेकंड सरफेस के लिए है तो सेकंड सरफेस से जो डिस्टेंस, सेकंड सरफेस का मींस जो भी ऑब्जेक्ट से ऑप्टिक सेंटर तक का डिस्टेंस है वो वी डैश है, तो हमको मुझे वी डैश अभी ऐसा माइंड से निकाल लो कि वी दिख रहा है तो हमेशा इमेज, ऐसा नहीं होता है, लॉजिक चेंज होता है हर जगह पे, समझा, ओके।
इक्वल टू नीचे का डिनोमिनेटर मालूम है, सेकंड सर्फेस है तो सेकंड सर्फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, आर टू चलेगा, सिंपल। अच्छा अब देखो, अब गेम यहां पे चलो, तो यहां पे कंफ्यूजन तुमको आएगा, ध्यान देना। देखो फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिनोमिनेटर हो गया मेरा राइट, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। याद करो ये डायग्राम बनाने के टाइम पे मैंने तुमको समझा दिया था कि आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन लेना है राइट ना, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेना है, म्यू टू। हमेशा ऐसा ही लेना है, मीडियम चेंज होएगा, मीडियम चेंज। अब बोलेंगे सर ये तो फर्स्ट मीडियम है तो म्यू टू क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मैंने पहले डायग्राम बनाने के टाइम पे ही डिफाइन कर दिया था, कुछ भी हो जाए ग्लास को मुझे म्यू टू लिखना है, लेकिन पढ़ने के टाइम पे हम उसको बोल सकते हैं इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम सेकंड केस के लिए। समझा लॉजिक क्या है, मीडियम हमारा क्लियर। देखो लास्ट टाइम न्यूमरेटर कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइट कहां से आ रहा है पहले बताओ, लाइट आ रहा है ग्लास से, सेकंड सर्फेस की लाइट ग्लास से आ रहा है ना, तो ग्लास मेरे लिए फर्स्ट मीडियम होगा राइट है। लाइट जा कहां पे रहा है, सेकंड मीडियम में, मींस एयर में जा रहा है, तो एयर मेरे लिए सेकंड मीडियम, लेकिन जब भी मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा तो मैं म्यू वन ही लिखने वाला हूं, रहने दो उसको सेकंड मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहने दो ग्लास को फर्स्ट मीडियम, तो भी मेरे को म्यू टू ही लिखना है, इतना समझ लो। क्लियर, आओ स्टेटमेंट में देखो, स्टेटमेंट याद है क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आता है पहले, सेकेंड मीडियम का। अब रिलेट अल्फा, ये देखो सिंबल रिलेट मत करो, वर्ड्स को रिलेट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, कौन है हमारे लिए सेकेंड मीडियम, हमारे लिए सेकेंड मीडियम एयर है, लेकिन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते कैसे हम लोग, म्यू वन। समझा लॉजिक क्या है, समझा के लॉजिक कैसा है, ऐसा पढ़ना पड़ेगा हमको आगे। माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम हमारे लिए क्या है सेकेंड केस में, देखो फर्स्ट मीडियम क्या है, फर्स्ट मीडियम ग्लास है, ग्लास फर्स्ट मीडियम है, लेकिन मैं उसको लिखूंगा क्या, म्यू टू, क्योंकि पहले से प्रीडिफाइंड है सब चीज राइट, म्यू टू। समझा लॉजिक क्या है, जो भी न्यूमरेटर था उसको मैंने माइनस किया, जो भी न्यूमरेटर है माइनस करना पड़ेगा, म्यू वन माइनस म्यू टू। समझा, एकदम इजी बन गया सेकंड इक्वेशन, अब पूरा गेम इजी हो गया। समझा, चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू, चलेगा। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको अब मैं रब करता हूं, इसका काम हो चुका है अब, तो ये रब कर देते हैं क्योंकि ये स्पेस हमको लगने वाला आगे भी यहां पर। ओके चलो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब करना क्या है, देखो ऐसा कुछ, देखो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में एक कोई तो ऐसा पैरामीटर देखो जो सेम सेम दिखाई दे रहा है, वी डैश, दोनों पर वी डैश है, वी डैश के ऊपर म्यू टू है, क्या इधर वी डैश के ऊपर म्यू टू है, मतलब शायद इधर कैंसल होने का चांस है अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो, क्योंकि इसके पीछे माइनस साइन है, इसके पीछे प्लस साइन है, तो प्लस माइनस कैंसल होता है अगर मैं ऐड करूं तो। चलो फटाफट जल्दी करते हैं, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ऐड करने आता है ना, बहुत इजी है, दोनों का एलएचएस एक साइड ऐड करने का, दोनों का आरएचएस एक साइड ऐड कर देंगे। चलो देखते हैं फटाफट। सो एडिंग में पहले इसका एलएचएस, फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस लिखते हैं, म्यू टू बाय वी डैश माइनस म्यू वन बाय यू। तो हमको इक्वेशंस ऐड करना था राइट, दो इक्वेशंस ऐड करते वन और टू। ओके सो लेट्स स्टार्ट फटाफट। यहां पर हम एडिंग कर रहे थे इक्वेशन वन एंड टू, दो इक्वेशन को हमको ऐड करना था, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस ले लिया है राइट, सेकेंड इक्वेशन का भी एलएचएस, देखो ऐड करने के टाइम पे सब एलएचएस एक साइड और सब आरएचएस एक साइड, ऐसा है। तो मैंने पहले इक्वेशन का एलएचएस ले लिया है, सेकंड इक्वेशन का एलएचएस भी लेते हैं, देखते क्या आता है। देखो सेकंड इक्वेशन का एलएचएस म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय वी डैश इज इक्वल, देखो अब मैंने क्या कर दिया है, अभी मेरे पास एक फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस है प्लस सेकंड इक्वेशन का एलएचएस, प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि देखो क्या लिखा है मैंने, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, सिंपल। आगे अब RHS को ऐड करते हैं राइट, RHS ऐड करते हैं। देखो RHS में हमारे पास क्या है, पहला RHS है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन राइट है, प्लस हाँ प्लस करना है, देखो एडिंग बोला ना, प्लस करना पड़ेगा। सेकेंड RHS को प्लस करो, सेकेंड RHS क्या है, म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर टू। समझा, एकदम इजी। अच्छा एक थोड़ा सा लॉजिक यहां पर बनता है, जरा देखो LHS में कोई तो एक पैरामीटर है जो कैंसल हो सकता है प्लस और माइनस की वजह से, देखो जरा बता अनुज, बता कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कैंसल होने का चांस है यहां पे, म्यू वन, हाँ ये ना फर्स्ट दिख रहा है म्यू टू बाय वी डैश ना, इधर प्लस में म्यू टू बाय वी डैश है और इधर देखो किधर
माइनस में है ना, प्लस माइनस कैंसिल होता है. सो ये दिख रहा है, दिस प्लस म्यू टू बाय वी डैश एंड दिस माइनस म्यू टू बाय वी डैश विल गेट कैंसिल. सिंपल राइट. अच्छा इधर कैंसिल हो गया है, ठीक है. चलो जो बचा है वो लिखते हैं. मैथ्स में एक रूल है, पहले पॉजिटिव लिखते हैं फिर नेगेटिव. दोनों में से पॉजिटिव क्या है बोल अनुज, पॉजिटिव क्या है? म्यू वन अपॉन वी. फिर माइनस लिखते हैं बोल, माइनस क्या है? माइनस म्यू वन अपॉन यू. समझा, एकदम इजी है, बराबर है. अब जरा ध्यान दो, यहां भी एक आरएचएस में एक लॉजिक पॉसिबल है. देखो क्या, न्यूमरेटर में ध्यान दो, म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू वन माइनस म्यू टू. कुछ दिख रहा है क्या, कुछ समझ आ रहा है? म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू वन माइनस म्यू टू. एक थोड़ा सा फर्क, खाली उल्टा कर दिया तो सेम हो जाएगा. अगर मैं ये म्यू वन माइनस म्यू टू को म्यू टू माइनस म्यू वन कर दू तो सेम सेम हो गया ना. और अगर सेम सेम चीज दिखा तो फिर अपन कॉमन ले लेंगे उसको. समझा, मेरा काम क्या है, मैं ये म्यू वन माइनस म्यू टू को उल्टा कर दूंगा. उल्टा कैसे करेंगे, बहुत इजी है. माइनस साइन कॉमन ले लो, राइट, माइनस साइन, लेट्स टेक माइनस साइन एज कॉमन. जैसे ही मैं माइनस साइन को कॉमन लेता हूं, म्यू वन माइनस म्यू टू जो पहले था अब वो बन जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन. समझा क्या, बहुत इजी है. अरे माइनस है नहीं मालूम है, देखो ये देखो, याद है पहले क्या था, म्यू वन माइनस म्यू टू ऐसा था ना. मैं क्या कर रहा हूं, माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं. माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब क्या, पहले सुनो, माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब ये है जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा. जो याद है, ये देखो म्यू वन प्लस था ना, पीछे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस बन जाएगा माइनस, राइट, और माइनस बन जाएगा प्लस. अभी प्लस पहले लिखते ना अपन, तो प्लस को पहले लिखो म्यू टू और माइनस बाद में लिखो. अरे यही तो मैंने ऊपर लिखा है, देखो ना, माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन, माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन. समझा, एकदम ईजी. आगे बढ़ते हैं. अच्छा अब इसके बाद क्या किया जाए, सुनो, इसके बाद क्या करना पॉसिबल है. म्यू टू माइनस म्यू वन सेम सेम दिखाई दे रहा है, क्या करने का, कॉमन लेंगे. लेट्स टेक म्यू टू माइनस म्यू वन एज कॉमन, राइट, कॉमन लेते हैं. अच्छा एक बार म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लिया, क्या बचा अनुज बता फटाफट, क्या बचा? म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लिया, क्या बचा है नीचे? आर वन ना, पहले आर वन बचा और ऊपर कुछ नहीं मतलब वन है, बीच में साइन बता क्या है, माइनस, राइट ना. उसके बाद क्या बचा, जैसे इधर वन अपॉन आर वन बचा है, वहां बता क्या बचा है, 1 upon r2, एकदम राइट. समझा, 1 upon r1 minus 1 upon r2. अभी क्या किया जाए, एक और लॉजिक है, ध्यान से देखा अनुज, LHS में भी कुछ तो चीज कॉमन ले सकते हैं हम लोग. LHS में ये दो चीज में देखो, कुछ तो एक पैरामीटर तुमको दोनों जगह पे सेम सेम दिखाई देगा, क्या है ये म्यू वन, इधर भी म्यू वन दिखाई दे रहा है, म्यू वन म्यू बोलते उसको, राइट. तो ये म्यू वन सेम सेम ही कॉमन लेते हैं, लेट्स टेक म्यू वन एज कॉमन. जैसे ही मैंने LHS का म्यू वन कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा, म्यू वन गया, बताओ क्या बचा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू. एकदम इजी, समझा, एकदम इजी. आगे बढ़ते हैं, ये इधर कुछ नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेगा. ओके, सो विल गेट म्यू टू माइनस म्यू वन द होल इन टू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, राइट है, एकदम इजी है. समझा, बराबर है. अब क्या करें, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू में ही मैं इंटरेस्टेड हूं, मुझे ये म्यू वन नहीं चाहिए. म्यू वन क्योंकि इधर न्यूमरेटर में है, उधर जाएगा तो किधर आएगा, डिनोमिनेटर. ये बेसिक रूल है. सो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन. पहले से था, इसके नीचे कौन आ जाएगा, म्यू वन, राइट है ना, एकदम इजी है. इन टू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू एज इट इज. समझा है, बस ये जो मैंने यहां पे बनाया है इसको कुछ एज्यूम, कुछ इक्वेशन एज्यूम करते हैं. लेट्स टेक, लेट्स एज्यूम दिस एज इक्वेशन नंबर 3, चलेगा, सिंपल है. एक टेंथ में एक स्टेटमेंट पढ़ा था, वो स्टेटमेंट याद करा दूं, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इमेज बनता है फोकस पे. ये पढ़ा है मैं टेंथ में, प्रूफ बताता हूं तुमको. सन का डिस्टेंस हमारे लिए, हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पकड़ते हैं, राइट, तो सन से जो भी इमेज वगैरह बनता है, उसकी पैरेलल रे से जो भी इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है. सिंपल सा लॉजिक, राइट. सो इफ ऑब्जेक्ट इज एट कहां पे, इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, राइट, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी सिर्फ तब हो सकता है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो इमेज क्या बनता है, देन इमेज is at focus, जो इमेज है वो फोकस बनता है, मीन्स
V का जो वैल्यू होगा V के वैल्यू को F के वैल्यू से मैच होना पड़ेगा। फोकस पे इमेज बन रहा है मतलब फोकल लेंथ आपको इमेज डिस्टेंस जैसा काम करेगा, राइट। बहुत इजी है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज फोकस पे, सिंपल, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज फोकस पे। चलो फटाफट, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ये दिख रहा है, ये जो सिंबल, ये सिंबल दिख रहा है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। और मैच का रूल है 1/∞ का आंसर 0 आता है, याद रखो। नहीं तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे 11th में, इसलिए 1/∞ का आंसर कितना आता है, 0 आता है, याद है हमको, सिंपल। चलो फटाफट चेंजेस करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। ओके बताओ फटाफट, इमेज वी, इमेज कहां बन रहा है हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से, फोकस पे, तो वी के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, एफ, तो वी के जगह पे एफ लिख दूं चलेगा। यू के जगह पे क्या लिखूं, इंफिनिटी, समझा। और इधर कुछ चेंजेस नहीं हुआ एज इट इज, म्यू टू अपॉन, एक काम करते हैं म्यू वन दोनों को दे दूं क्या, ऐसा नीचे का म्यू वन दोनों को दे सकते हैं हम लोग ऐसा, तो म्यू टू के नीचे म्यू वन आ जाएगा, राइट है, माइनस म्यू वन के नीचे भी म्यू वन आ जाएगा, अरे मैथ्स है आना चाहिए अपने को, द होल इन टू 1/r1 माइनस 1/r2, राइट, सिंपल एकदम, याद करो अभी जस्ट मैथमेटिक्स बताया, 1/∞ इज 0, दैट मींस ये 1/∞ दिख रहा है क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। कोई भी चीज को 0 से माइनस करेंगे वही मिलता है, 5 माइनस 0 इज 5, तो 1/f माइनस 0 इज 1/f, सिंपल ना, मैथ से एकदम, इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन एज इट इज, जरा ध्यान दो, म्यू वन अपॉन म्यू वन कितना, म्यू वन कैंसल, 1 ना, माइनस 1 इंटू क्या मिला हमको, 1/r1 माइनस 1/r2, ये जो मैंने बनाया ना, ये जो मैंने बनाया है, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर्स इक्वेशन। क्या था टॉपिक, लेंस मेकर्स इक्वेशन, निकाल दिया, ये जो मैंने इक्वेशन बनाया, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज लेंस मेकर इक्वेशन, फिर से लिख देता हूं एक बार, तो ध्यान दो, दिस इक्वेशन इज लेंस मेकर्स इक्वेशन। एक लास्ट पॉइंट बाकी, एक लास्ट पॉइंट खत्म, फिर फिफ्थ पॉइंट। ओके फिफ्थ पॉइंट क्या है, ध्यान दो, ये इक्वेशन जो मैंने बनाया लेंस मेकर इक्वेशन, इसको कुछ एज्यूम करो, लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 4। ओके ध्यान से, बहुत ध्यान से तुमको एक लास्ट आंसर देना है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, अनुज ध्यान से देख, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखो और बताओ LHS सेम है कि RHS सेम है, RHS सेम, सेम सेम है ना, अरे ये याद है यहाँ पे क्या, ये म्यू टू, ये और ये दोनों सेम सेम ही है ना, अगर चाहिए तो यहाँ पे लिख दो, अगर तुमको यहाँ पे लिखना है, याद है ये वन कैसे आया, याद है म्यू वन के नीचे म्यू वन कैसे, अगर तुमको लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस म्यू वन लिखेंगे लेकिन फुल होल डिनोमिनेटर डालना पड़ेगा, ऐसा भी चलेगा। RHS सेम सेम दिख रहा है, अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम है, राइट है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 3 and 4 भी तो है, दोनों देखना पड़ेगा, दोनों का RHS सेम है तो दोनों का क्या सेम रहेगा, LHS भी सेम। अगर LHS सेम है तो देखो पहला LHS क्या है, थर्ड का फर्स्ट LHS है 1/V ना, तो यहां पे हमको लिखना, देखो याद है लेंस फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने 10th में, याद है क्या लेंस फॉर्मूला, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, वो चीज मैंने तुमको प्रूव करके दिखाया, देखो कैसे, देखो थर्ड का LHS देखो 1/V माइनस 1/U, 4 का LHS देखो, बन गया लेंस फॉर्मूला, समझा क्या, 10th में हमने पढ़ा था जस्ट ये, मैंने तुमको अभी बताया ये आया कहां से, इतना बड़ा कंसेप्ट करने के बाद ये आया, इसलिए तुमको ये 10th में नहीं दिया गया था, समझा, लेवल बढ़ना चाहिए ना साइंस में हम लोग, राइट। सो दिस इज, ये क्या है, दिस इज लेंस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला, समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है, लेंस फॉर्मूला। तो हमने दो मेन कंसेप्ट यहां पे बनाया, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा दिया, ये जो है यहां पे दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेंस मेकर्स इक्वेशन एंड दिस इज लेंस फॉर्मूला, राइट, दोनों अलग अलग चीज है, समझ में आ गया, सिंपल एकदम। तो फर्स्ट रिकैप करते जल्दी, क्या क्या किया आज, कॉन्वेक्स मिरर किया जिसको क्या बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर भी किया इसको क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर किया, डबल ऑफ फोकल लेंथ, राइट ना, फिर हमने किया फोकल पावर, राइट, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, डायोप्टर, 1 डायोप्टर याद है ना सब, 10 मीटर रेस टू माइनस 1, फिर फोकल लेंथ किया हम लोग ने, राइट, फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, ओके, फिर हमने लेंस मेकर्स इक्वेशन का डायग्राम बनाया, दो मीडियम इन्वॉल्व था, राइट, इसमें समझा रहा है क्या, ये जस्ट तुमको समझाने के लिए था, इसको रब कर देते, राइट, अभी सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम तो हर बार चेंज होता है ना, दो अलग अलग केस में अलग अलग चेंज होता है, कंस्ट्रक्शन बराबर लिखना है, क्या क्या यूज किया, दो बार मैंने फॉर्मुला यूज किया है, कौन सा फॉर्मुला यूज किया मालूम है क्या,
रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल क्लाउड सरफेस, डायरेक्ट याद है मैंने यहाँ पे जो लिखा वो डायरेक्ट याद रहेगा तो भी चलेगा। फिर दोनों को ऐड किया राइट ना, फिर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, इमेज फोकस पे बना, इक्वेशन बनाया, दोनों का RHS मैच हुआ तो इसलिए दोनों का LHS मैच हुआ राइट, इसलिए बन गया हमारे पास लेंस फॉर्मूला। सिंपल, ओके, थैंक यू।